और साथ में आप शास्त्र का रूप भी एक देख पाते हैं कि प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम। यदि पहली उम्र में आपने विद्या नहीं कम अर्जित की और दूसरे में धन अर्जित नहीं किया तो तृतीय नार्जितम पुण्यम, और तीसरी अवस्था में अगर आपने पुण्य नहीं अर्जित किया तो चतुर्थे किं करिष्यसि। ये इस तरह के शास्त्र का एक रूप हमें देखने को मिलता है जिसे हम शास्त्र मानते हैं, कहते हैं कि ये क्योंकि एक विशेष दृष्टि से लिखी गई बात है और इसलिए इसको हम शास्त्र मानेंगे। ये शास्त्र वचन हम इसको कहकर के उद्धृत करते हैं, विशेष रूप से संस्कृत के सभी लोग। और जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो शास्त्र के दो पक्ष हैं जिन पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे जब 21वीं शताब्दी पे बात होगी हमारी। शास्त्र एक तो पांडित्य से उसका सीधा सीधा संबंध है कि हम बहुत बुद्धिमत्ता पूर्ण जो हम बात करते हैं, सार की निचोड़ की जो बातें करते हैं वो सारी की सारी इसमें आती है। दूसरा पक्ष शास्त्र का कॉमन सेंस या व्यवहार ज्ञान या लोकाचार, इससे भी इसका संबंध है जो हमें आज देखना है। दूसरी स्लाइड आप देखिए तो दूसरी स्लाइड में भी आपको कुछ इस तरह की और बातें दिखाई देंगी जो लगेगा कि शास्त्र बिल्कुल एक व्यवहारिक बातें कर रहा है। नहीं तो शास्त्र का मतलब हम समझ लेते हैं कि शायद हम धार्मिक ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अध्यात्म की केवल बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो दो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देख रहे हैं कि वहां पर शास्त्र अपने बारे में स्वयं ये कहता है कि जिस व्यक्ति की यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उस व्यक्ति का शास्त्र कर क्या लेगा। बिल्कुल वैसे ही लोचनाभ्याम विहीन से दर्पण किम करिष्यसि, अगर आंख ही नहीं है तो आपका दर्पण क्या करेगा। और फिर सारे साथ ही साथ वो इस बात के लिए भी शास्त्र आपको संकेत करता है, इस बात के लिए भी सावधान करता है कि अपि शास्त्रेषु कुशलः लोकाचार विवर्जिता। यदि आपने शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन अगर कॉमन सेंस नहीं है, अगर आपको लोक व्यवहार करना नहीं आता है तो ये आपको हास्यन तो यान्ति, तो आप हंसी के पात्र बन जाते हैं, आप व्यवहार के योग्य नहीं रहते। तो अब ये बात जो कही जा रही, जिसे पांडित्य और कॉमन सेंस के बीच में शास्त्र जहां खड़ा है अपने दो पक्षों के साथ, वो आज के युग में जो आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं इसके ऊपर ये कैसे लागू होता है। क्योंकि जो हमें संविधान ने स्वतंत्रता दे दी है, जो हमें टेक्नोलॉजी ने फ्रीडम दे दी है, और जिस तरह से मनुष्यता अग्रसर हो रही है तरक्की और विकास के नाम पर, उसके साथ आज हम ये चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं कि किस रूप में हम लोग शास्त्र और लोक के संबंध को देखें। एक शब्द में और आप लोगों के साथ इससे पूर्व के वक्ताओं का मैं परिचय करवाऊं, लोक और जन ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, दोनों बड़े पास पास के हैं, और अंग्रेजी में जब आप इसको समझने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से सोशल साइंसेस के लोग, जिसे हम पीपल एंड मासेस कहते हैं, पीपल और मासेस, लोक और जन जो है इनमें ऊपर से ये दिखाई देते हुए एक जैसे होते हुए भी दोनों के सांस्कृतिक अंतर दोनों में दिखाई देगा। लोक जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो सुसंस्कृत और संस्कारबद्ध, जो संस्कारित चेतना वाले लोग हैं उनके लिए लोक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जन का जब आप प्रयोग देखते हैं तो सामान्य रूप से उन लोगों के वो लोग अभिहित होते हैं जो अभी भूख और अपने भय से ही मुक्त नहीं हुए। तो एक तरह से वायलेंस के लेवल पे जो जन है वो चलता है, एक उसमें एस्थेटिक एक्सपीरियंस या जो जेन्युइन इंक्वायरीज होती हैं वो उस रूप में हमें विकसित होती हुई नहीं दिखाई देती। तो ये जन और पीपल में एक अंतर होता है, पीपल और मासेस में ये एक अंतर होता है। अगर इसको आप समझ से देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सोशल साइंसेस के अन्य लोगों की तरह इनमें अंतर ना करते हुए इनको एक ही मान करके हम दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन वो करना चाहिए नहीं। तो जन और लोक में एक सांस्कृतिक दृष्टि से एक अंतर हमें दिखाई देता है। तो इसलिए लोक शब्द के साथ शास्त्र को जोड़ना और उसके संबंधों पर परिचर्चा करना अभीष्ट आज के दिन में है। आज के हमारे जो दो वक्ता हैं
उनमें प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जो चेयरपर्सन रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, दर्शन दोनों प्रकार के दर्शनों में उनकी महारत है, सिद्ध हस्तता है और बहुत प्रकार के उन्होंने अकादमिक उद्यम अपने जीवन में किए हैं और निरंतर वो अपने स्वाध्याय और अन्य सारे जो स्वाध्याय से जुड़े हुए ज्ञान हैं, ज्ञान के प्रयास हैं, उद्यम हैं, उनमें वो निरंतर लगे रहते हैं। तो ऐसे विद्वान वक्ता का मैं स्वागत करना चाहूंगा एक बड़े संक्षिप्त से श्लोक के साथ, पंक्ति के साथ, चतुर्भी प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति, भवत्यागम कालेन भवति या भवत्यागम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। कि शास्त्र का ये वचन है कि चार प्रकार से जो विद्या है, जो आपका ज्ञान है, वो उपयुक्त तो होता है, उसकी यूटिलिटी होती है, उसकी रेलेवेंस होती है, उसकी उपयोगिता होती है, जब वो आगम काल में होता है, स्वाध्याय काल में, प्रवचन काल और व्यवहार काल। अब ये चार शब्दों की व्याख्या में मैं नहीं जा रहा, तो डॉक्टर साहब हो सकता है अपने वक्तव्य में इस बात को लें। दूसरे हमारे जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस जिनका रहेगा, अध्यक्षीय भाषण जिनका रहेगा, प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस, प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, उनका भी वक्तव्य हम लोगों ने आगे भी सुना है और उनके ज्ञान की व्यापकता और सूक्ष्मता दोनों ही बड़ी प्रशंसनीय है। तो ऐसे उनके वक्तव्य के प्रति मैं एक बहुत छोटे से श्लोक के साथ, दो पंक्तियों के श्लोक के साथ उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थ से दर्शकम, अनेक संशयों को जो उच्छेद कर देता है, नष्ट कर देता है, और परोक्ष अर्थ का जो दिखाने वाला होता है, परोक्ष अर्थ जो आप आंखों से नहीं देख सकते या आप अपनी पांच जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंसेस हैं, उनसे नहीं देख सकते, तो ऐसे परोक्षार्थ को दिखाने वाला सर्वस्य लोचन शास्त्रम, ऐसा वो सभी का जो आंख है वो शास्त्र है, यस्य नास्ति, और जिसके पास वो शास्त्र रूपी आंख नहीं है, अंधा सही है, वो अंधा ही होता है। और आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए श्रोता हैं, प्रतिभागी हैं, उनके लिए भी मैं दो श्लोक सांझे करना चाहूंगा, क्योंकि शास्त्र की भूमिका को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो एक हम कठिनाई में पड़ जाएगा कि शास्त्र है क्या वस्तुतः। एक शास्त्र का जो आप वाई एक्सिस पे ये देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, अनंत पारम के लिए शब्द शास्त्रम, मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ता, असार बता देता हूं कि शब्द शास्त्र जो है ज्ञान वो असीमित है, स्वल्पम तथायु, आयु आपके पास कम है, बहवश्च विघ्न, और विघ्न बहुत सारे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए हम सभी श्रोताओं को, हम सभी प्रतिभागियों को, सारम ततो ग्राह्य, जो सार है उसे हम ग्रहण करें, और अपास्य फल्गु, और जो फल्गु है, जो छिलका बच गया है, उसको हम छोड़ दें। ठीक वैसे ही हंसे यथा क्षीरमिवांबु मध्यात्, जैसे दूध और पानी के मिक्सचर में से जो हंस होते हैं वो केवल दूध को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस दृष्टि से ये जो हमने दोनों वक्ताओं को आमंत्रित किया है, इनसे हम सार सार ग्रहण करें, इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये श्लोक शास्त्र का, ये श्लोक शास्त्र का ये वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा, श्रोताओं के सम्मान में मैं एक और पंक्ति आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है एकम शास्त्रम अधियानो, कि एक शास्त्र को पढ़ करके ना याति शास्त्र निर्णय, कि एक शास्त्र पढ़ करके अगर हम सोच लें कि हम स्कॉलर हो गए हैं, तो उससे शास्त्र में या किसी ज्ञान के विषय का आप निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए तस्मात, इसलिए क्या हो, बहुश्रुतः शास्त्रम विजयानियात, बहुत अधिक सुनो शास्त्र को जानने के लिए, शास्त्र विषय निर्णय करने के लिए, बहुत अधिक शास्त्रों को, बहुत अधिक ज्ञानों को हमें प्राप्त करना है। अब ये जो सारी बात मैंने आप लोगों के साथ साझी की है, उसके पीछे दो कारण थे, दो कारण आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक और है विचार की अनिवार्यता, कि हम सभी पढ़े लिखे लोगों के लिए विचार करना अनिवार्य है, बल्कि एक तरह से ये हमारे सांस लेने की तरह है कि विचार किए बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन सारे का सारा विचार जो है वो क्या है, वो अपर्याप्त है, वो कभी भी पूरा नहीं पड़ता। और विचार अगर अग्रसर होता है तो भाषा पीछे रह जाती है, भाषा हमारे पास आती है तो विचार उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। तो ये दो पक्ष जो हैं,
लोक और शास्त्र के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो उस संदर्भ में ये हमारे साथ ये स्पष्टीकरण हमें देखना होगा। दो तीन मिनट में और आप लोगों के साथ लेना चाहूंगा, सांझे करूंगा कि आप ये चार प्रश्न देख सकते हैं। शास्त्रीय जो दृष्टि है प्रश्न करने की, वो चार भागों में किसी भी प्रश्न को विभाजित करती है। मतलब कुल मिला के जितने भी प्रश्न हैं उनके चार भेद हैं। एकांश व्याकरणी प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि ये एक प्रश्न है कि क्या संस्कृत शास्त्रों का लोक, राष्ट्र एवं समाज निर्माण में योगदान होना चाहिए, तो इसका सीधा उत्तर आप दे सकते हैं हाँ या नहीं में उत्तर दिया जा सकता है। दूसरी तरह के जो प्रश्न है जिन्हें प्रतिपृच्छा व्याकरणीय प्रश्न कहते हैं, ये इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं क्योंकि ना तो ये आपको किसी अन्य भाषा में मिलेंगे, ना कहीं और आपको इस विषय में कोई ज्ञान देगा या आपके साथ ये साझा करेगा ये ज्ञान। प्रतिपृच्छा व्याकरणीय प्रश्न वो होते हैं जिनको हम काउंटर क्वेश्चन कहते हैं कि क्या संस्कृत शास्त्र केवल पाठ्यक्रम की औपचारिक आवश्यकता मात्र है, तो हम काउंटर क्वेश्चन कर देते हैं कि भी दूसरे का उत्तर ना दे करके उसको काउंटर क्वेश्चन करने के माध्यम से उत्तर देते हैं कि क्या आपने संस्कृत शास्त्र का व्यवहार या प्रयोग सीखा है कभी। तो ये एक अपने तरीके का प्रश्न करने का एक तरीका है। तीसरी जो कैटेगरी है जब आप लोक और शास्त्र के संबंधों को देखेंगे वो क्या है कि स्थापनीय प्रश्न। स्थापनीय प्रश्न क्या है कि जहां पर हम देख ऐसे प्रश्न जिनको हम व्यर्थ का समझते हैं, असंगत प्रश्न, व्यर्थ भी नहीं कहते असंगत प्रश्न उसको कहेंगे। कि जैसे मैं पूछूं ये सवाल कि क्या संस्कृत शास्त्र प्रपंच मात्र अनर्थक है, तो ऐसे सवाल का उत्तर देने की बजाय मैं उसे उठा करके एक किनारे रख दूंगा, हाशिए पर डाल दूंगा, तो वो जो है वो एक व्यर्थ के प्रश्न है। चौथा जो अंतिम है जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर ये वेबिनार्स या सेमिनार्स या जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो निर्भर करते हैं, जिन्हें हम विभज्य व्याकरणीय कहते हैं, वो क्या है कि संस्कृत शास्त्रों का प्रारूप सार क्या और कैसा है और लोक से उसका संबंध क्या है। इसका उत्तर ना तो आप हाँ ना में दे सकते हैं, ना आप इसको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, ना इसको आप साइड ट्रैक कर सकते हैं। इसका आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, इसके विषय में आपको बहुत सारी बातें बतानी पड़ेगी। अब जल्दी से दो तीन बातें और मैं आपके साथ साझी करके अपनी आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा कि शास्त्र के दो प्रकार आप देखते हैं आजकल। एक है आधुनिक शास्त्र जिसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र शब्द आदि प्रयोग करते हैं, और पारंपरिक शास्त्र है न्याय, योग, वेदांत आदि। इस शास्त्र के दो पंख होते हैं, एक वेद और यज्ञ, क्योंकि कोई भी संस्कृत का शास्त्र इन दो से बाहर नहीं चलता। शास्त्र की संगतता के भी दो पक्ष आपको ध्यान में रखने होंगे कि युक्ति और अनुभव, कि शास्त्र कभी भी अयौक्तिक बात नहीं करेगा और जो अनुभव गम्य ना हो उसको भी नहीं वो करेगा। लेकिन शास्त्र को आज दो चीजों ने बिल्कुल असंगत कर दिया है, कोई भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पहला तो मीडिया, कि मीडिया में जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, उसके लिए किसी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा संविधान, क्योंकि संविधान ने शास्त्र को स्थापन कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। इसलिए ये संस्कृतज्ञों के सामने एक चुनौती है कि संविधान या धर्मशास्त्र में से वो क्या चुने और कैसे चुने। फिर शास्त्र की अनिवार्यता और अपर्याप्तता के संदर्भ में शास्त्र को हमें देखना है। और नीचे जो सबसे अंत में है कि वो आप देख सकते हैं कि शास्त्र में भी दो तरह के आपको पक्ष दिखाई देंगे, एक जो मूल ग्रंथ हैं जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, और दूसरे उनके ऊपर जो कमेंट्रीज होती हैं वो हैं। और एक अंतिम बात करके मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो ये प्रश्न मुझे जानने हैं वो क्या है कि शास्त्र के प्रश्न निर्धारित कैसे होते हैं, कि ये प्रश्न शास्त्रीय है और ये अशास्त्रीय है, या ये प्रश्न योग्यता नहीं रखता। दूसरा सवाल है कि शास्त्र की प्रामाणिकता को कैसे हम सिद्ध करते हैं, कैसे हम कहें कि ये शास्त्र प्रामाणिक है। तीसरा है शास्त्रार्थ का, शास्त्र के संदर्भ में जब हम शास्त्रार्थ करते हैं तो उसका स्तर एवं स्वरूप क्या है, और इसके विषय में हम जो शास्त्रार्थ भूतकाल में होते रहे हैं उस पर हम एक चर्चा भी अवश्य करेंगे जब हमें समय मिलेगा, कि शास्त्रार्थ का विभिन्न स्वरूप जिसे हम डायलॉग और डिबेट कहते हैं, कि उसका भारतीय परंपरा में और वेस्ट में क्या स्वरूप रहा है, ये
अगर संभव हुआ तो नेक्स्ट वीक में लेंगे। फिर शास्त्र और लोक का संबंध तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। फिर एक और प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि शास्त्र के स्वाध्याय का क्या मतलब है, क्या रिपीट करते रहे हैं, क्या उसको दिन पे दिन पढ़ते रहे, और क्या ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आता। फिर एक प्रश्न और है कि शास्त्र शब्द का हम अंग्रेजी में अनुवाद क्या करें या अन्य भाषाओं में अनुवाद क्या करें। एक और प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि शास्त्र की सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन सी है, किसे आप मानते हैं कि शास्त्र ये शास्त्र होगा तो इसकी सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी कौन है। जैसे संविधान के लिए आपकी जो पार्लियामेंट है वो है। शास्त्रीय धर्म और युगानुकूल धर्म में परिवर्तन की समीक्षा को हम कैसे करेंगे कि शास्त्र में जो कुछ कहा गया है और जो युगानुकूल परिवर्तन आ रहे हैं उनका तालमेल, उसकी समीक्षा कौन करेगा या कैसे की जाएगी। और फिर अंतिम जो प्रश्न है, शास्त्रीय ज्ञान एवं व्यवहार ज्ञान के संबंधों को हम कैसे स्पष्ट करें। तो ये बहुत सारे बातें मैंने आप लोगों के साथ बहुत संक्षेप में रखने का प्रयास किया है लगभग 10-15 मिनट के अंदर अंदर। तो कुछ और बातें भी हैं जो मैं प्रश्नोत्तर काल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के वक्तव्य के लिए कि 21वीं शताब्दी में शास्त्र और लोक के संबंधों पर चर्चा करने के लिए मैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें, शेयर करें और हमें दिशा निर्देश दें कि इस विषय को हम कैसे समझें, कैसे इसमें नए आयामों को हम तलाश करें। तो प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, सर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हेलो। हेलो जी सर। हेलो जी। जी सर, आ गया सर। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू सर। आनंदम आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निधबोध रूपम योगींद्र मीड्यम भवरोग वेद्यम श्रीमद गुरु नित्यमहं भजामि। आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी, इस संगोष्ठी में उपस्थित जितने भी विद्वद्गण हैं उन सबको, जो गुरुजन हैं या जो भी इसके में पधारे हैं, उन सबको मैं नमस्कार करके अपनी बात शुरू करता हूँ। आशुतोष जी ने बहुत सी बातें रखी और बहुत से प्रश्न रखे, तो उसमें कुछ मैं बोल पाऊंगा, सभी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं वो बात रखता हूँ। इन्होंने कहा कि एक तो मैं इसमें लोक को समझना है और एक शास्त्र को समझना है, तो लोक और शास्त्र के बीच में संबंध क्या है। हमारे यहाँ जो शास्त्र बने वेदों के बाद, वेदांग बने, उनमें मुख्य शास्त्र हमारा व्याकरण शास्त्र रहा, और व्याकरण से शास्त्र की बात शुरू हुई। महावास्यकार पतंजलि ने कहा कि भाई शास्त्र है व्याकरण, एक शास्त्र है। किसका शास्त्र है और क्या करता है? तो करते हैं वो शब्दों का अनुशासन करता है, जो शिष्ट प्रयुक्त शब्द हैं उनका साधु असाधु की व्यवस्था करता है, व्याकरण शास्त्र कहलाता है। तो व्याकरण शास्त्र जो है वो शास्त्र बनाए रहे, पाणिनि ने बनाया इसको, कात्यायनी इस पर टीकाएं की, उसकी परीक्षा की, और फिर पतंजलि ने उसका महाभाष्य लिखा। इसमें सूत्र, वार्तिक और भाष्य तीन चीज आती है। इसके बाद भाष्य में जब शुरू करते हैं पतंजलि, तो वो कहते हैं कि देखिए ये शास्त्र बना रहे हैं हम, क्यों बना रहे हैं, किसका शास्त्र बना रहे हैं? तो एक तो लौकिक शब्दों का बना रहे हैं। शब्द दो तरह के हैं, एक तो लौकिक शब्द और एक वैदिक शब्द। तो शास्त्र दो तरफ जाएगा, जितने वेद के शब्द हैं, जो ईश्वर के शब्द हैं, जो ईश्वर के श्वास से पैदा हुए, उन शब्दों का भी हम व्याकरण बनाएंगे और हम लोक का भी बनाएंगे। तो लोग कहने लगे, खुद ही कहते हैं कि लोग कहते हैं क्यों बना रहे हो, अनर्थक व्याकरण होता है, व्याकरण बनाने की हमें जरूरत ही क्या है, हम क्यों बना रहे हैं व्याकरण शास्त्र, हम नहीं बनाए तो क्या दिक्कत है? तो क्योंकि हम शब्दों को अगर जानना है तो सब तो दुनिया में सुन लेंगे, वेदों के मंत्र सुन लेंगे, फिर आप व्याकरण क्यों बना रहे हो, एक शास्त्र बनाने की हमें आवश्यकता क्यों है? तो कहते हैं कि शास्त्र की ऐसे कुछ लोग हैं जो शास्त्र का महत्व नहीं समझते, उनके लिए शास्त्र मित्र बन करके इस शास्त्र की पुनर्व्याख्या करते हैं कि शास्त्र के कुछ उद्देश्य होते हैं। शास्त्र जो है वो रक्षा के लिए होता है, शास्त्र आगम के लिए होता है, शास्त्र धर्म के लिए होता है, शास्त्र लघुता के लिए होता है। तो शास्त्र के उन्होंने करीब 18 उदाहरण दिए कि व्याकरण शास्त्र बनाने के लिए हमें 18 प्रयोजन है, इसलिए मुझे व्याकरण शास्त्र बनाना पड़ेगा। और व्याकरण शास्त्र जब मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? तो कहते हैं लोक से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कि हमें शब्द अर्थ संबंध पर बात करनी है, शब्द क्या है, अर्थ क्या और संबंध क्या है। क्योंकि जो पहला वार्तिक लिखा कात्यायनी ने, सिद्ध है शब्दार्थ संबंध है, शब्द और अर्थ और उनका संबंध सिद्ध है, नित्य है। तो पतंजलि कहते हैं नित्य है, ये कैसे पता लगा नित्य है, कहाँ सिद्ध है, कैसे सिद्ध मानेंगे इसे? कहा कि ये प्रश्न अच्छा है, तो उनका लोकता है,
दूसरा बार के लिखा उन्होंने लोकतः, हम जो भी शास्त्र बनाएंगे वो लोक के अनुसार चलेगा। लोक में जो भाषा चल रही है, जो शिष्ट लोग जिस भाषा को बोल रहे हैं, उस लोक की भाषा का ही हम व्याकरण बना रहे हैं। हम सब आदमियों की व्याकरण जन की भाषा का नहीं बना रहे हैं। ये विशिष्ट लोग जो समाज में उत्कृष्ट लोग हैं और जिनको हम मान्य मानते हैं, उन मान्य लोगों की भाषा का हम व्याकरण बना रहे हैं। तो वो भाषा क्या है, वो शब्द क्या है? तो कहते हैं लोकतो, तीसरा वार्तिक उन्होंने लिखा कि लोकतो अर्थ प्रयुक्त शब्द प्रयोग शास्त्रेण धर्म नियम है। शास्त्र की आवश्यकता इसलिए है कि दुनिया में लोग में सभी लोग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और अपने अपने अर्थों में शब्दों का प्रयोग करते ही जा रहे हैं। तो शास्त्र क्या करेगा, वो धर्म के लिए नियम बनाएगा। शास्त्र में धर्म के लिए नियम बनाए जाते हैं। चौथे वार्तिक में वो कहते हैं कि लौकिक और वैदिक में, तो जो भी वेद में शब्द हैं, जो संसार में शब्द हैं, उनका हमें व्याकरण बनाना है और व्याकरण बना रहे हैं। और दुनिया तो पहले से जान रही है शब्दों को, अर्थों को भी जान रही है, प्रयोग भी कर रहे हैं, फिर व्याकरण की आवश्यकता क्या होती है? तो कहते हैं व्याकरण जो है हमारे संशयों को मिटाएगा, संशयों को मिटाएगा कि हमें डाउट हो कि क्या सही है क्या गलत है। जब हम फंस जाएं कहीं, तो अब कौन बताए सही शब्द क्या है गलत शब्द क्या है, साधु कौन बताएगा असाधु कौन बताएगा। फिर भी शास्त्र में धर्म की बात होती है, धर्म नियम में कहते हैं कि धर्म के लिए शास्त्र बनाया गया है कि हमारा वैदिक धर्म है, आगम है, और हम बिना किसी कारण के इस धर्म का पालन करते हैं। तो धर्म के नियम के लिए शास्त्र बनाया जाता है, शास्त्र नियम बनाता है और धर्म के लिए। धर्म क्या है और नियम बनाने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न भी उठेगा। तो कहते हैं कि देखिए कुछ ऐसे नियम है, जैसे कि मुझे किसी स्त्री से शादी करनी है, किसी भी स्त्री से मैं शादी कर सकता हूँ, अब शास्त्र इसके लिए नियम क्यों बना रहा है? तो कहते हैं कि ये धर्म के लिए नियम बनते हैं। शास्त्र एक प्रकरण निकालता है कि इयम अगम्या इयम गम्या, खेदात स्त्री सुप्रवृत्ति होती कि आदमी को किसी भी स्त्री से शादी कर सकता है जहां मर्जी हो उसकी, पर शास्त्र एक नियम बनाते हैं कि इनसे कर सकते हो, इनसे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी बहन है इसे शादी नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी बुआ इसे शादी नहीं कर सकते, ये तुम्हारा समाज है। तो वो जो नियम बनते हैं, वो नियम हमें बताते हैं कि किससे शादी कर सकते हो किससे नहीं बन सकते हो, वो नियम शास्त्र ही बताएंगे। और शास्त्र इसका, वैसे किसी से शादी कर लो, किसी की मर्जी हो, लोकतंत्र किसी से कर ले, पर शास्त्र इसके लिए एक नियम व्यवस्था करते हैं कि गम्य अगम्य का विचार हम करेंगे। ऐसे ही हम कुछ भी खा लें हमारा पेट भर जाएगा, कुछ भी खा लें, हम कुत्ते का मांस खा लें तो भी हमारा पेट भरेगा, और अच्छा भोजन करेंगे सात्विक राशिक तामसिक कोई भी भोजन करेंगे हमारा पेट भरेगा। पर वहाँ एक नियम बनाया जाता है, अभक्षो ग्राम कुक्कुट है अभक्षो ग्राम शुक्र है। तो कहते हैं कि ठीक है कुछ भी खाने से पेट भरेगा, उसकी मर्जी जो खा ले, पर शास्त्र एक नियम बनाते हैं कि इन इनको खा सकते हो इन इनको नहीं खा सकते हो, और वो एक नियम बनाते हैं। ऐसे ही वो नियम और भी नियम बना रहे हैं कि जैसे एक नियम बना रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो व्रत करेगा तो दूध पी के रहेगा, क्षत्रिय जो है ये वागु का सेवन करेगा और वैश्य आमिक्षा का सेवन करेगा। तो शास्त्रों में दो तरह के धर्म होते हैं, एक साधारण धर्म और एक विशेष धर्म। तो वर्ण धर्म जो है उसकी बात भी शास्त्र नियम के लिए बना रहे हैं, और वो नियम उसके लिए जरूरी है। वैसे तो नहीं बनाए तो भी अपने मर्जी से कोई कुछ ले सकता है, पर उससे व्यवस्था हमारी जो बिगड़ जाएगी और हमारा धर्म बिगड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि देखिए यज्ञ में हम करते हैं कि तीन तरह के यज्ञ में, एक यूप होता है जिसके पशु को बांधते हैं, तो किसका होना चाहिए? तो शास्त्र में नियम बना दिया कि बिल्व है खदीरा है, दो ही चीज का हो सकता है बिल्व खदीर। क्या किसी लकड़ी से बांध सकते थे? शास्त्र में क्यों उलझा रहे हैं? तो कहते शास्त्र एक नियम बना रहे हैं और शास्त्र की एक परंपरा है, उस परंपरा से जो अनादि परंपरा है जहाँ से ज्ञान आया वहां से शास्त्र चलते हैं, वेदों से चलते हैं, इसलिए शास्त्र में धर्म की बात होती है और धर्म के लिए नियम बनाते हैं। अब वो कहते हैं कि मान लीजिए अग्नि पर कुछ कपाल रख करके, एक बर्तन रख करके, और एक वहां वेदों में कहते हैं कि भृगुणाम अंगिरसाम धर्मस्य तपसा तपध्वम, कि आप भृगुओं के अंगिरसों के घर में से उनकी गर्मी से आप हे अग्नि तू तपो। तो कहते हैं अग्नि तो वैसे तप रही है, अब ये कहने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं ये चूंकि हमारे यहाँ विधान है शास्त्रों का, और उस शास्त्रों का विधान मानने से क्या होगा, हमें दो चीज मिलेगी, धर्म मानने से क्या फायदा होगा? तो कहते हैं एक तो अभ्युदय और एक निःशेष की प्राप्ति होगी। अभ्युदय जो है संसार में हम धर्म को मान के चलेंगे तो हमारा अभ्युदय होगा, कल्याण ही होगा इस संसार का, और अंत में हमें निःशेष भी मिलेगा। तो एक रास्ता है, उस रास्ते के लिए हम ये नियम बना रहे हैं, उस रास्ते को बनाने के बाद में हम ये निर्णय कर पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। सही गलत का निर्णय हम तभी कर पाएंगे जब हम इन शास्त्रों का निर्माण कर लेंगे। तो उन्होंने अष्टाध्यायी महावाक्य और बना करके और शास्त्रों का एक उद्देश्य बता दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि जो शास्त्र हैं वो हमेशा लोक के अनुसार चलते हैं और लोक को ध्यान में रखते हैं कि लोक उनके लिए आदर्श है, कि लोक में क्या चल रहा है, क्या प्रचलित है, मान्य क्या, उन सब मान्य बातों को लेकर के बनाते हैं। और पाणिनि भी कहते हैं इसको कि भाई प्रधान प्रत्यर्थ वचनम अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, की अर्थ का प्रमाण अन्य होता है, अन्य क्या लोक, लोक क्या है? तो लोक के लिए नागेश ने लिखा
कि जिसको लोकेते यानी शब्दार्थ है कि जिसको देखा जाता है, शब्द अर्थ कहाँ है किस में है उसे लोक कहा जाता है, और या हम व्यवहार कहें या वृद्ध परंपरा कहें वो लोक है, और लोक का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। लोक विरुद्ध शास्त्र अगर बनाते हैं तो लोक मानेंगे नहीं। अगर मान लीजिए किसी शास्त्र में लोक विरुद्ध बातें आती है तो शास्त्र को लोग मानना मानने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। मान लीजिए तंत्र में कुछ बातें आई कि पंचमकार की बात आई तो उसे समाज ने स्वीकार नहीं किया कि ये तो नहीं कर सकते आप, कि आप जो मत्स्य मांस मदिरा आदि का सेवन करोगे तो ये लोक विरुद्ध है। तो जब लोक विरुद्ध कोई शास्त्र हो जाता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए लोक उसमें प्रधान स्थान रखता है और लोक के साथ ही शास्त्र चलता है और धीरे धीरे लोक को वो एक नियंत्रित करता है। जैसे एक नदी बह रही है अपनी इच्छा से जिधर इसकी गति करती है, पर शास्त्र क्या करता है उसके दोनों तरफ तटबंध बनाता है कि नदी इसके अंदर बहे। शास्त्र एक नियम बनाता है कि इस तरह से हम एक शास्त्र बनाए और उसमें लोक मर्यादा का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लोक में जो प्रचलित हो गया जो लोक मान्य है उसका शास्त्र उल्लंघन नहीं करते, उसको मानते कि ये हमारे लिए शब्द है और इसी का हमें व्याकरण बनाना है। जैसे वो कहते हैं कि मान लीजिए दुनिया में क्या चल रहा है, जैसे संस्कृत में एक वचन भी चलता है, द्विवचन भी, बहुवचन भी, तो द्विवचन चल रहा है इसलिए हमें व्याकरण बनाना पड़ेगा। कई भाषाओं में द्विवचन नहीं होता है पर संस्कृत में द्विवचन भी होता है। वृक्ष के एक वृक्ष के लिए एक वचन और दो वृक्ष के लिए द्विवचन बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, तो ये परंपरा है। वो कहते हैं ऐसे ही मान लीजिए सफेद रंग की गाय है और सफेद रंग का एक घोड़ा है, तो उन दोनों के लिए संस्कृत में अलग अलग शब्द हैं। गाय के लिए लोहित शब्द का प्रयोग है और घोड़े के लिए सोन शब्द का प्रयोग है। इसी तरह गाय के लिए काले रंग की गाय के लिए कृष्णा शब्द का प्रयोग है और घोड़े के लिए हेम शब्द का प्रयोग है। इसी तरह वो कहते हैं कि मान लीजिए सफेद रंग की गाय है तो श्वेत गो और सफेद घोड़ा उसको कर्क बोलते हैं, तो ये बोलते हैं हमें। इसलिए लोक को पहले समझना पड़ेगा कि लोक में क्या क्या बोला जा रहा है, उसी के अनुसार शास्त्र का निर्माण होगा, नहीं तो शास्त्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो लोक इसमें प्रधान भूमिका रखता है और लोक को वो हजारों बार उदाहरण देते हैं कि लोक है यथा लोक है यथा लोक है, तो लोक की जो प्रतीति है उसको हम मान के चलेंगे। कोई भी शास्त्र बनाएंगे वो लोक विरुद्ध कभी नहीं हो सकता, और लोक विरुद्ध अगर है वो अपनी ओर से कुछ भी नियम नहीं लगाता, वो जैसा लोक में प्रचलित है मान्य है उसी मान्य की वो व्याकरण प्रस्तुत करता है वो। और इस तरह से व्याकरण शास्त्र का उन्होंने प्रणयन किया और कहा कि व्याकरण शास्त्र जो है वो लोक में जो प्रयुक्त है उसी के लिए व्याकरण बन रहा है। बाद में दूसरा शास्त्र जो बनता है वात्स्यायन का, वात्स्यायन ने न्याय भाष्य में लिखा कि असल में शास्त्र है क्या, तो कहा लक्ष्य और लक्षण। लक्ष्य शब्द है, भाषा का शास्त्र है व्याकरण, पद शास्त्र इसको कहते हैं, वेद का अंग है और इसमें शब्दों का हम शास्त्र बना रहे हैं, शब्दों का शास्त्र है, इसमें शब्द हमारा लक्ष्य हुआ और उसके अनुसार हम लक्षण बनाएंगे। क्या जरूरत है लक्षण बनाने की, तो क्या ये जरूरत इसलिए होती है कि ऐसे अगर हम बताएं कि कितने शब्द शुद्ध हैं कितने अशुद्ध हैं तो बहुत बड़ी लंबी डिक्शनरी हो जाएगी और कभी पूरी नहीं होगी और हमें ज्ञान नहीं होगा कि शुद्ध क्या अशुद्ध क्या साधु असाधु की ज्ञान नहीं होगा, इसलिए लक्षण देख करके हम बनाएंगे। लक्षण हमें सरल तरीके से उन शब्दों का ज्ञान करा देगा। हम शब्द बना देंगे अकारांत इकारांत उकारांत और उसको हम बना देंगे ये शब्दों का रूप है, तो वो निश्चित हो जाएगा और एक भाषा संयमित हो जाएगी नियमित हो जाएगी। और इस तरह से उन्होंने कहा कि शास्त्र की आवश्यकता है। वात्स्यायन ने न्याय में जब दूसरा शास्त्र प्रमाण शास्त्र आता है, न्याय शास्त्र में उन्होंने कहा कि नहीं इसमें शास्त्र का उद्देश्य क्या है, नाम क्या है, उसका लक्षण क्या है, और लक्षण वो व्याप्ति अतिव्याप्ति दोष से नहीं है से दूर रहे, वो जो भी उसका लक्ष्य है जो भी उसका उस लक्ष्य के अनुसार वो लक्षण बनाए तो उसमें उसे एक परीक्षा भी करनी चाहिए। परीक्षा जो है एक तीसरी बात उन्होंने जोड़ी कि परीक्षा का मतलब युक्ति संगतता भी होनी चाहिए। आप जो भी शास्त्र बनाए अगर उसमें युक्ति संगत नहीं है तो शास्त्र निरर्थक हो जाएगा, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। आपकी जो भी बात है वो केवल श्रुति से काम नहीं चलने वाला, उसमें युक्ति चलेगी और उसकी परीक्षा करेंगे कि जो भी हम चीज दे रहे हैं उसकी परीक्षा करें। मान लीजिए वेदों में कह दिया जाए कि अग्नि शीतल होती है तो ये तो लोक सिद्ध नहीं है कि कोई भी आदमी दिखाएगा कि अग्नि तो शीतल नहीं होती है, तो हम वेद की बात को भी नहीं मानेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो युक्ति है और उन्होंने युक्ति के अनुसार उन्होंने अपने शास्त्र की, इसलिए उनका जो शास्त्र वो प्रमाण शास्त्र है कि हम किस बात को माने किसको नहीं माने। तो हम एक तरह से ज्ञान मीमांसा के अंदर जा रहे हैं, हम संसार को समझने जा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य भी लोक को समझना है। हम लोक को समझें, पदार्थों को समझें, जगत का ही विवेचन कर रहे हैं और उन्होंने जगत का विवेचन किया पर उन्होंने पदार्थों का तत्वों का विवेचन किया, तो दार्शनिकों ने पढ़ाया संसार को विवेचन किया और उसके ज्ञान से उन्होंने मुक्ति की ओर चले गए, उनका लक्ष्य निःश्रेष्ठ था। तो ये व्याकरण शास्त्र, इसी तरह जो अन्य शास्त्र मीमांसा शास्त्र ने वाक्य शास्त्र कहते हैं मीमांसा को, उन्होंने वाक्यों का विवेचन किया और वैदिक वाक्यों की व्याख्या की। और उसके बाद में जो है अन्य जो शास्त्र आए तो चौथा शास्त्र वेदांत शास्त्र। वेदांत शास्त्र जो था वो दर्शन में था,
और वो आत्मा की ओर चला गया, वो एक तरह से वो ब्रह्म की व्याख्या करता है, जीव की व्याख्या करता है, जो चीज इस संसार में हमें दिख नहीं रही है, और उस नहीं दिखने वाली चीज की जो अदृष्ट है, दिखने वाला सब लोक है पर उस लोक से ऊपर जो अदृष्ट है उसकी व्याख्या वेदांत करता। तो चार शास्त्र हमारे यहाँ प्रधानता रहे, बाकी शास्त्र इन्हीं की छाया लेकर के चलते रहे। पर एक दूसरी परंपरा आई जिसे हम कहते हैं कि जो हमारी मूल परंपरा है वह धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि असली शास्त्र क्या है, तो असली शास्त्र उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्र है, ये सब उसकी ब्रांच है। वो कहते हैं कि अष्टादश विद्याएं थी, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिशिता वेदास्तानानी विद्यानाम धर्मश्चेत चतुर्दश, की षडंग सवेद के अंग पुराण न्याय मीमांसा और धर्मशास्त्र। तो कहते हैं धर्मशास्त्र जो है वो लोक से जुड़ा हुआ है, उसमें मनुष्य के कर्मों का हम विश्लेषण करते हैं जन्म से लेकर मरण तक, समाज का भी हम विश्लेषण करेंगे, हम राजनीति का राजधर्म भी करेंगे, व्यक्ति धर्म भी करेंगे, और हम एक धर्म की व्याख्या करेंगे। असल में जो असली जो शास्त्र है वो धर्मशास्त्र है और यही प्रधान शास्त्र है। बाकी शास्त्र तो एक एक विषय को लेकर चल रहे हैं, व्याकरण केवल शब्द को लेकर चल रहा है, अलंकार केवल साहित्य शास्त्र को लेकर चल रहा है, हर शास्त्र आयुर्वेद केवल कुछ चीजों को लेकर चल रहा है, पर जो सर्वांगीण शास्त्र है वो धर्मशास्त्र है। वो ये कहते हैं कि धर्मशास्त्र जो है वो प्रधान शास्त्र है। उल्लूक भट्ट ने अपने टीका में लिखा कि तावत सोभंत शास्त्राणी यावन मनुर्न भाषते तर्क व्याकरणानी थे, कि तर्क शास्त्र व्याकरण शास्त्र ये शास्त्र तो है, पर जब मनु आ जाता है तो सब शास्त्र चुप हो जाते हैं। क्यों? कि मनु जो है धर्मशास्त्रों पर दृष्टा, धर्मशास्त्र का उपदेष्टा जो मनु है, तो वो आते सब शास्त्र शांत हो जाते हैं। कि मनु जो है, मनु पूरे जीवन के विधान बताता है कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, और उस समूची बातों को उसने एक ग्रंथ में मनुस्मृति में उसने संग्रह किया, याज्ञवल्क्य ने संग्रह किया। तो दो ग्रंथ जो थे, इन दोनों ने कहा कि हमने क्या संग्रह किया, हमने वेदों से लिया इसको, हमारी मर्जी से नहीं लिया, और हमने एक धर्म की व्याख्या की, और धर्म या आचरण जानना ही सबसे बड़ा मुख्य है, इसमें मनुष्य के सभी पक्ष आते हैं, और ये प्रधान शास्त्र हमारा रहा। इसी के ये भेद हैं, ये कोई व्याकरण बना रहा है, कोई न्याय बना रहा है, मीमांसा बना रहा है, ये शास्त्र उसी की व्याख्याएं करते हैं। तो धर्मशास्त्र जो था वो मुख्य स्थान पर है, और उसी का मुख्य स्थान पर हमने पूरी इसकी व्याख्याएं कर दी। याज्ञवल्क्य ने फिर मनु की व्याख्या की, उन्होंने उसका और विश्लेषण किया कि याज्ञवल्क्य स्मृति में तीन अध्याय थे, उन्होंने कहा आचाराध्याय, पहले हम आचार, पहला धर्म है, पहला कर्म हमारा आचार, उसकी हम व्याख्या कर दें। और सामान्य तो उन्होंने इसका एकदम विश्लेषण शुरू किया कि जो गीता कह रही है उस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया कि भाई क्या धर्म है और उस धर्म का हम कितना विस्तार करेंगे। तो उन्होंने बताया कि धर्म जो है दो तरह का होता है, साधारण और असाधारण। साधारण धर्म जो है वो मानवीय धर्म है, प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, विशेष धर्म अलग है। तो साधारण धर्म जो है प्रत्येक मनुष्य का है, और असाधारण धर्म जो है वो विशेष धर्म है, वो कुछ मनुष्यों का है, फिर मनुष्य में कुछ मनुष्यों का है। तो उनका वो धर्म क्या है, उनका वर्ण धर्म, उन्होंने कहा आश्रम धर्म। तो आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, निमित्त धर्म, और इस तरह से कहते हैं आपद धर्म। तो ये असाधारण धर्म है, इन दोनों में कौन सा शक्तिशाली है, फिर ये प्रश्न उठेगा। तो इसलिए शास्त्र नियम की बात भी करता है, शास्त्र पहला काम तो विधान करता है। विधान दो तरह का विधान शास्त्र करता है, एक तो ये करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये करना है, और ये नहीं करना है। जैसे गीता में हम जो कल बात कर रहे थे सर, तो वो जो बात थी कि कर्म क्या और विकर्म अकर्म बताना है, तो क्या हमें करणीय है और क्या अकरणीय है, तो इन दोनों की बात शास्त्र करता है, उसे विधि और निषेध कहते हैं, विधि निषेध की बात शास्त्र करता है। तो उससे हम प्रवृत्ति में जाएं, हम निष्काम कर्म योग में जाएं, चाहे हम वेदांत में जाएं, चाहे हम संसार को छोड़ने की बात करें, निवृत्ति में जाएं, तो उन सब की बात जो है वो बताएगा शास्त्र। और तीसरी बात, जब अब शास्त्र नियम बनाएगा कि नियम में वो कहेगा कि यहाँ ये करना, यहाँ ये नहीं करना, तो शास्त्र में तीसरा नियम रूप है कि इन दोनों विधियों में जब टकराव होगा तो हम क्या करेंगे, हम नियम करेंगे। तो इस तरह से धर्मशास्त्र जो था, उस धर्मशास्त्र ने जीवन के सभी पक्षों की व्याख्या की, और बहुत वर्षों तक धर्मशास्त्र जो है हमारा चलता रहा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो धर्मशास्त्र था, और वो पहले आचाराध्याय में उन्होंने आचरण की बात कर दी कि उन्होंने कहा ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, संन्यास का धर्म, वानप्रस्थ का धर्म और राजधर्म, इस तरह से उन्होंने अध्याय बना दिए और कहा कि इसमें सभी तरह के मनुष्यों की बात हमने कर दी है। विवाह का भी बता दिया, विवाह क्या कैसे होगा ये बता दिया, संस्कार बता दिए, और सब उन्होंने बता करके एक आचार अध्याय बनाया। दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि कानून जो है, संविधान जो है, उसका भी उन्होंने कहा कि व्यवहार अध्याय है, ये जीवन में लोक व्यवहार कैसे चलता है, इसमें वेतन कितना लेंगे, कितना देंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने वेतन आदान, ऋण आदान, ऋण क्या है, और ये सब व्यवस्थाएं उन्होंने इसमें बताई कि जो कानून में जो विवाद होते हैं, संपत्ति किसे मिलेगी, अधिकारी कौन है, और इन सब बातों को उन्होंने दूसरे व्यवहार अध्याय में रखा। तीसरा अध्याय उन्होंने प्रायश्चित अध्याय रखा, उसमें उन्होंने बताया कि आशोच क्या है, तो आशोच क्या है, प्रायश्चित क्या है,
और इस तरह से उन्होंने तीन अध्याय में याज्ञवल्क्य लेखने एक तरह से धर्मशास्त्र को एक शास्त्र रूप दे दिया कि ये मान्य है और मिताक्षरा उसकी व्याख्या रही। तो ये इस तरह से उन्होंने धर्मशास्त्र ने एक तरह से मनुष्य के जीवन के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए विधान है, क्या विधि है, तो शास्त्र विधि की जो बात करें वो शास्त्र विधि याज्ञवल्क्य ने बताई। और याज्ञवल्क्य के बताने पर सब जगह पूरे भारत में बहुत वर्षों तक माने रही, राजा कोई भी रहो पर सब याज्ञवल्क्य की बात को काटते नहीं थे। अब याज्ञवल्क्य की जो विधि थी वो चूंकि उनमें मूल क्या था कि किस अनुसार विधि बना रहे थे, तो मनु कहते हैं कि हमारी जो विधि है वो श्रुति पर आधारित है। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे लिए श्रुति प्रमाण है, प्रमाणम परमम श्रुति। श्रुति के बाद में जो बात श्रुति में नहीं है कहाँ से लाएं, तो क्या स्मृति से ले आओ। जो स्मृति में भी नहीं है ऐसी बात ने कोई पूछे तो कहाँ से उत्तर दोगे, तो क्या सदाचार ले आओ कि हमारा एक परंपरा है, उस परंपरा को जो श्रेष्ठ लोगों का आचरण है उसको ले आओ, क्योंकि हमें श्रेष्ठों का आचरण करना, दुष्टों का आचरण नहीं करना। और चौथी वो बात कहते हैं कि मान लीजिए इस सब में भी कोई बात नहीं मिले तो आप अपने मन की भी करो, आत्मन प्रिय। एतत् चतुर्विधम प्राहु, ये धर्म के चार लक्षण है, धर्म चार जगह से हमारे स्रोत हैं धर्म के, वेदों से वेदोक्त हो, स्मृति के द्वारा प्रमाणित हो, सदाचार के द्वारा प्रमाणित हो, और फिर वो हमारे मन की इच्छा जो हमें अच्छा लगे वो भी हम कर सकते हैं। पर इसमें जो सबसे ज्यादा शक्ति श्रुति में है, कोई भी स्मृति अगर श्रुति विरुद्ध है तो मान्य नहीं होगी, सदाचार भी अगर वेद विरुद्ध है या स्मृति विरुद्ध है तो मान्य नहीं होगा। तो असली जो प्रमाणिकता हो वेदों की है, पर एक तरह से मेरे को प्रिय लगता हो पर वेद विरुद्ध है तो वो भी मान्य नहीं होगा। मान लो मुझे कुछ भी प्रिय है वो वेद अगर आज्ञा नहीं देते तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने माना कि समुच्चा जो धर्म है वो धर्म वेद से निकलता है और वेद को ही हमें अनुसरण करना है, वेद की प्रमाणिकता रखनी है। तो ये मनु की जो व्याख्या थी धर्मशास्त्री व्याख्या थी, और धर्मशास्त्री व्याख्या में उन्होंने वेदों को परम स्थान दे दिया, उसके बाद स्मृति सदाचार लोक परंपरा को, और फिर खुद का व्यवहार जो भी हम निर्णय करें कर लें, पर वो उनसे हमारा निर्णय उनके अनुसार ही होना चाहिए, हमारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें। तो इस तरह से उन्होंने धर्मशास्त्र की स्थापना की और एक तरह से जो वैदिक विधान था उसी को उन्होंने लागू किया कि पूरे भारत में विश्व में हर मनुष्य के लिए ये जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए है, और इसको जो मानेगा तो उससे क्या होगा, अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि धर्म को मानने में हमें निःश्रेयस अभ्युदय मिलेगा, और अभ्युदय से फिर हम ऊपर, धर्म से ऊपर अगला जो कदम है वो ज्ञान की प्राप्ति है, और उसे उन्होंने कहा कि वो परम धर्म है। अयं तु परमो धर्म यद योगे रात्मदर्शनम, याज्ञवल्क्य कहते हैं सबसे बड़ा धर्म तो वैसे मनुष्य धर्म तो अहिंसा सत्य व्रत इत्यादि जिसको नैतिक नियम कहते हैं वो है, पर सबसे बड़ा धर्म है तो वो अयं तु परमो धर्म यद योगे आत्मदर्शनम, कि योग के द्वारा आत्मा का दर्शन वो हमारा परम धर्म है। तो इस तरह से हमारे जो शास्त्र व्यवस्था थी वो हमारे जीवन को एक तरह से संस्कृत और परिष्कृत करती थी, और हमें आदर्शों की ओर ले जा रही थी, और समाज में एक तरह से सुख और शांति थी, एक आनंद का भाव था, उसमें भौतिकता नहीं थी, उसमें बहुत कम से कम चीजों में, और हम ज्यादा सुखी थे, हम एकदम कुछ भी हमें नहीं चाहिए था और हम अपने आप में सुखी रहते थे, हम बिना कुछ करे भी सुखी रह सकते थे बिना कुछ किए। तो ऐसा जिसको अकर्म कहते हैं, अकर्म के लिए कृष्ण ने दूसरी जो गीता थी उनकी अनुगीता में उन्होंने समझाया कि एक ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था, कुछ करता नहीं था, शाम को घर आ जाता था। तो पत्नी परेशान होगी कि ये ब्राह्मण क्या कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा आदमी, ज्ञानी आदमी, पहले यज्ञ करवाता था और आजकल तो पेड़ के नीचे बैठता है और वापस जाता है। पूछते क्या करते हो, तो पत्नी पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो रोज जाके बैठ के, वहां तो कुछ नहीं करते हो आप, एकदम अकर्म हो गए आप, अकर्मण्य हो और कुछ करते ही नहीं हो। तो ब्राह्मण कहता है कि देखिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। बोलो हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हम आपको देखते हैं और आप हमें कुछ भी करते हो नहीं दिखते हो, जैसे गए थे वैसे बैठे हो, शाम को उठ के आ गए, क्या क्या आपने, तो आप एकदम अकर्म हो, अकर्म कुछ भी कर्म नहीं कर रहे हो। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं असली काम कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। बोले यज्ञ, यज्ञ में तो अग्नि होती है, आहुति होती है, देवता आते हैं, आपके पास कौन आ रहा, कोई नहीं आ रहा, और कुछ आप हिलते डुलते कुछ भी नहीं हो। तो कहता कि मैं अपने इंद्रियों को बस में कर रहा हूँ, इंद्रियों को विषयों से हटा रहा हूँ, और इंद्रियों को मैं परमार्थ की ओर ले जा रहा हूँ, मैं ब्रह्म की ओर ले जा रहा हूँ, कि मैं इंद्रियों को कह रहा हूँ तुम कुछ मत सोचो, मन को कहता हूँ तुम केवल परमात्मा का चिंतन करो, संसार को ही छोड़ दो। तो ये निवृत्ति मार्ग है, और इसकी गीता में जो अनुगीता है महाभारत में, कृष्ण ने इसके करीब इसमें 36 अध्याय हैं, और इसमें इस प्रकरण को विस्तार किया, अकर्म क्या है, जो परम ज्ञान क्या है। तो हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्र में जो परम लक्ष्य हमेशा निःश्रेयस रहा, कि वो कहें कि उसमें 36 अध्याय में करीब 1000 श्लोक हैं, अनुगीता में उन्होंने कृष्ण ने यही सिद्ध किया कि महाभारती गीता तो युद्ध की है, वो तो कर्म भूमि है, धर्म की व्याख्या करती है, पर असली जो वेदांत की जो व्याख्या वो अनुगीता में हुई, और उनका इंद्रियां जो है ये साथ मेरे होता है। ब्राह्मण कहता कि मैं साथ मेरे होता है मन बुद्धि और पांच इंद्रियां,
और इन इंद्रियों से मैं यज्ञ कर रहा हूँ, परमात्मा का यज्ञ कर रहा हूँ, सब में मैं अपने आप को देख रहा हूँ और मेरे को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, इससे बड़ा काम कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे ऊंचा काम मैं इसमें कर रहा हूँ, पत्नी करिए कुछ नहीं करे। फिर लास्ट में कृष्ण समाहार करते हैं बात का कि जो जो ये ब्राह्मणी और ब्राह्मण है कौन और ये बात क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ब्राह्मणी जो है वो हमारी बुद्धि है, और बुद्धि को भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, और मन जो है वो ब्राह्मण है। तो मन को जब हमने ब्रह्म में लगा दिया तो हमारे को असली ज्ञान होगा। जब तक मन हमारा संसार में रहेगा, लोक में रहेगा, तो हमें ब्रह्म की ज्ञान नहीं होगा। तो लोक ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान, ये हमारे शास्त्रों का उद्देश्य रहा। इसलिए शास्त्रों में लोक केवल इतना था कि लोक में हमें रहना है, इतना ही हम रखें, पर हमें जाना तो ऊपर की ओर है। तो जो समझ गए वो जो उत्कृष्ट लोग थे वो परम ज्ञान की ओर चले गए, और ये आत्मा का धर्म है। तो इस तरह से हमारी शास्त्र की दृष्टि रही। अब ये जो शास्त्रीय दृष्टि थी, ये वैदिक दृष्टि थी, ये बहुत अच्छी चल रही थी। पर जब से दूसरी सभ्यताएं यहाँ आई, भारत प्राधीन हुआ, और इस आने के बाद में 21वीं शताब्दी तक आते हैं, तो धर्मशास्त्र में लगा कि धर्मशास्त्र जो है वो जो नियम है, वो नियम चूंकि हमारा शासन खत्म हो गया था, और शासन के खत्म होने पर धीरे धीरे धर्मशास्त्र को बाहर कर दिया गया, और हमने एक तरह से संविधान हमारे सामने आ गया, और हमने उनकी नकल कर ली। जो दूसरे देश हैं वो देश जैसे रहते हैं उनके नियम मानने लगे, और उनके जब नियम मानने लगे तो धर्मशास्त्र जो था वो एक तरह से हमारे शिक्षा से ही बाहर हो गया, और हमारे शास्त्रों का जो मूल आधार था वो एक तरह से हमारा बाहर हो चुका है। और बाहर होने के बाद में अब जब बाहर ही हो गया, क्यों हो गया बाहर, तो उस धर्मशास्त्र में युग के अनुसार कुछ बातें नहीं आई थी, और वो युग जो था, अब जो युग है वो आर्थिक युग था। अब वो तपस्या करने वाले लोग नहीं थे, शांति चाहने वाले लोग नहीं थे, अब सब भाग रहे थे धन के पीछे, जब शासन के पीछे भाग रहे थे। वो कह शास्त्र का शासन नहीं चाहिए हमें, हमें अपना शासन चाहिए। तो अपना शासन चाहिए तो ये जो अंग्रेज और यहाँ मुसलमान आए, तो अपने शासन में अपने धर्म की स्थापना करने के लिए आए, और उन्होंने सोचा कि इनका धर्म जो है वो धर्म को बाहर कर दें, और उन्होंने हमारे धर्म को धीरे धीरे एक तरह से बाहर ही निकाल दिया। और संविधान जब बना तो हमने उनकी सबकी नकल की, मनुस्मृति को वो स्थान नहीं मिला, और उस पर बड़े विवाद हुए कि भाई मनुस्मृति जो है, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, ये भेद करती है, ये जितनी भी संसार में हमारी हार जीत का कारण है यही है, क्योंकि इसमें कुछ अव्यवस्थाएं हैं, वर्ण व्यवस्था, और इनमें कई बातें जो थी वो वेदों के अनुसार तो ठीक थी, पर अब लोक के अनुसार उनका हम करना संभव नहीं है, और इसलिए उन पर विवाद उठने लगे। और उसमें जैसे एक ही बात लेते हैं, मान लीजिए हम ऋण की बात करें, तो वेदों में कहा ऋण लेना नहीं, ऋण चुकाना ही मनुष्यता है। चार्वाक ने कहा कि ऋण ले और घी पियो, तो ये झगड़ा था कि ऋण कर्जा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चार्वाक कहता लो, और आज की जो सभ्यता वो भी कहती कर्जा लो और माफ करा लो। आज हम सरकार से क्या करें, ऋण दे दो फिर माफ भी करो, हम चुकाएंगे भी नहीं। तो वेद ऐसा नहीं कहते, वो कहते ऋण चुकाना पड़ेगा, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, हवा का ऋण भी चुकाना, आपको जितने भी संसार में अपने ऋण लिए उनको चुकाना है। तो मनुष्य वो है जो ऋण चुकाए, तो वहां का जो मनुष्य एक आदर्श मनुष्य है और वो देव पुरुष है, वो सब ऋण चुका रहा है। जो चार्वाक का मनुष्य है कि वो मनुष्य केवल अपनी इच्छा पूरी करता है कि सुख चाहिए, तो आजकल क्या शुरू से ये समस्या है कि जो सुखार्थी लोग हैं, जो लोग सोचते हैं मुझे मजा चाहिए, तो वो चार्वाक को ही प्रमाणित करते हैं। इसलिए चार्वाक का नाम लोकायत रहा कि असल में शास्त्र को जानने वाले लोग कम होते हैं, मानने वाले और भी कम हो जाते हैं, उस पर आचरण करने वाले और भी कम हो जाते हैं, बाकी अधिकतर जो लोग हैं वो जिसको आप जन करें, वो जन जो जिसमें सुख हो, जिसमें फायदा हो, जिसमें लाभ हो, उस कामना के पीछे भागते हैं। इन शास्त्र जो थे, ये शास्त्र धीरे धीरे एक तरह से इनका इनको पालन करना अब मतलब व्यवहार में रहा कि ये धीरे धीरे शास्त्र जो है एक तरह से एक कोने में हो गए, और समझ लीजिए कि इन शास्त्रों का उपयोग हमारे पास धीरे धीरे इस युग में कम हो गया, क्योंकि हम इनका महत्व नहीं समझ रहे हैं। इनकी बातें जब हम समझेंगे कि उन्होंने क्या किया था, मनु ने क्या किया या याज्ञवल्क ने क्या किया था, और वो क्या व्यवस्था कर रहे थे, और उनके पीछे आधार क्या थे, उन पर हमने चर्चा ही नहीं की, उनको हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम कैसे उस पर समझ सकते हैं। हमने केवल उनको दोषी मान लिया कि ये दोषी है, और प्रत्येक शास्त्र के साथ इसी तरह समस्या आई। धर्मशास्त्र चूंकि बहुत हावी हो गया था, ज्योतिष के ग्रंथों में लिखते हैं कि धर्मशास्त्र इतना हावी था उसमें कि भास्कराचार्य कहते हैं कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग पर नहीं टिकी हुई है, तो पृथ्वी हवा से टिकी हुई, आकर्षण शक्ति से टिकी हुई है, तो लोग मुझे मारेंगे आगे, क्योंकि वो कहेंगे कि स्मृति वेद पुराण भाई हम, कि धर्मशास्त्र कहेंगे कि वेदों में लिखा हुआ है पृथ्वी शेषनाग पर है, पुराणों में लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ कहाँ से ज्ञानी आ गए। तो कहते हैं कि ये जो वैज्ञानिक उन्नति है वो बाधित होती है जब धर्म ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए धर्म के ज्यादा बढ़ने से हमारा जो विज्ञान पक्ष था वो धीरे धीरे कम होता गया। तो वो कहते हैं कि मैं कह नहीं पाता हूँ सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण जो किस लिए होते हैं, तो छाया से होते हैं,
और सूर्य राहु केतु ग्रहण है ही, ग्रह ही नहीं है। वो कहते हैं राहु केतु जो छाया ग्रह है, पर फिर मेरे साथ झगड़ा होगा कि लोग कहेंगे कि तू जो क्या शास्त्र बना रहा है जिसमें वेद नहीं है, वेद विरुद्ध शास्त्र बना रहा है, वेदों में राहु है तो राहु मानना पड़ेगा तेरे को। तो कहते हैं राहु केतु नहीं है, तम छादकम राहु रीति बदंती, की छादक जो है उसी को मैं राहु कहूंगा क्योंकि मुझे समाज में रहना है, और ये समाज जो है इसमें धर्मशास्त्रियों का कुछ ज्यादा आधिपत्य हो गया, और ज्यादा आधिपत्य होने से विज्ञान और उनकी प्रगति जो है वो अन्य शास्त्र जो वो संकुचित हो गए, और इस तरह से कई धर्मशास्त्र के पक्ष जो तुमने कुछ कुरीतियां आ गई, धर्मशास्त्र ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो धीरे धीरे तो धर्मशास्त्र जो था उस धर्मशास्त्र के जो पक्ष थे कि जैसे धर्मशास्त्र में कह दिया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गोमांस खिला दिया गया हिंदू को, तो फिर धर्मशास्त्र उसको वापस आने की आज्ञा नहीं दे रहा था, तो वो कहते हैं उसको जबरदस्ती खिला दिया और लोगों ने फायदा उठा लिया। धर्मशास्त्र में जैसे सती प्रथा और बहुत सी ऐसी चीजें थी तो जिससे हमें धर्मशास्त्र को धीरे धीरे हमने मानना पड़ा कि धर्मशास्त्र जो है वो एक तरह से हमारे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने सोचा कि धर्मशास्त्र के बिना ही काम चला, दुनिया का काम चल रहा है तो हम इस वेद के पीछे क्यों पड़े, हम उत्कृष्ट जीवन नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए कि हमें सांसारिक जीवन चाहिए। इस तरह से हमारे शास्त्र जो थे एक तरह से बाहर हो गए, और अब इसकी आवश्यकता इनके महत्व को जब आप समझेंगे, जैसे योग का पहले कोई महत्व नहीं समझ रहा था, अब कह रहे हैं योग बड़ी अच्छी चीज थी और इसमें बड़ी अच्छी बात थी, तो ऐसे प्रत्येक शास्त्र में बहुत ही गहन बातें हैं जो एक परंपराओं के विद्वानों का निचोड़ है, उस निचोड़ की जब हम चर्चा करेंगे तब हम समझ सकते हैं कि ये शास्त्र हमारे कितने काम आएंगे और इसका महत्व जान सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ और आप सबका धन्यवाद। सर धन्यवाद बहुत बहुत। सर आपने बहुत व्यापक दृष्टि से ये सारी बातें हमारे साथ साझी की हैं और कई सारे पक्ष और विभिन्न शास्त्रों के पक्ष आपने हमारे सामने रखे हैं जो हमारे लिए बड़े ही उपयोगी और महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि इन शास्त्रों के बारे में भी बड़े भ्रम की स्थिति बनी रहती है, हमें पता ही नहीं लगता कि शास्त्र वस्तुतः क्या है और उसके कितने भेद हैं, कितने पक्ष हैं, और शास्त्र में कौन सी मान्यताएं स्वीकार्य होती हैं और लोक में कौन सी मान्यताएं उनको मान्यता देता है कि नहीं देता है। तो ये आपने एक बड़ा ही सुखद और बोधगम्य आपने विषय हमारे साथ शेयर किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा है और इससे हमारी काफी समझ जो है वो अग्रसर होगी इस विषय में, तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं समय व्यर्थ ना करता हुआ, क्योंकि थोड़ा सा समय का अतिक्रमण हो रहा है, तो मैं प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपना वक्तव्य आरंभ करें, लेकिन अपना पहले माइक अनम्यूट कर लें। आप अपना जी माइक अनम्यूट कीजिए, आप माइक स्क्रीन के ऊपर माइक को अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन के ऊपर। प्रोफेसर रमाकांत जी आप, सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन के ऊपर एक सर आप अपना माइक अनम्यूट करें, आप स्क्रीन के ऊपर एक निशान देख रहे होंगे जिसके ऊपर माइक लिखा होगा। हाँ जी माइक जी जी हाँ सब क्लियर है, आवाज क्लियर है। हाँ जी आप अपना वक्तव्य जो है वो लगभग अगले 25 मिनट के लिए जो है वो रखें और फिर हम जो है चर्चा के लिए ओपन करेंगे। हाँ जी रखें आप अपना वक्तव्य। ओम तं हिरः पिता योऽस्माकम् अविद्यायाः परं वारं कारयति। आचार्य प्रोफेसर राजेन्द्र शर्मा, डॉक्टर आशुतोष एवं उपस्थित श्रोतृवृंद, ये बहुत ही गहन विषय को लेकर के चर्चा को उपस्थापित किया गया है। सामान्यतः दोनों ही शब्द बहुत ही साधारण रूप में प्रयोग में आते हैं,
शास्त्र शब्द को अभी बहुत लोग सुनते हैं और लोक शब्द तो प्रसिद्ध ही है कि लोग बात बात में हम लोग लोक की बात ही करते हैं। ये लोका मति के भोरा रे, लोग जो है बड़े भोले भाले होते हैं। तो लोक और शास्त्र दोनों ही शब्द बड़े कॉमन, बड़े सामान्य प्रयोग के शब्द हैं, लेकिन इनकी परंपरा को, इनका अनुशीलन अगर परंपरा मूलक हो जाए तो उसमें पता लगेगा कि ये सामान्य शब्दों के पीछे एक बहुत, एक पूरा जाति का एक बड़ा गहन चिंतन हुआ और तब इन दोनों का आपस में संबंध बना है। मूलतः शास्त्र की हम परिभाषा जब कर देते हैं, क्योंकि संस्कृति ये परंपरा है कि बिना परिभाषा के हम अग्रसर नहीं होते हैं। परिभाषा में देखते हैं कि उसमें निर्दोष परिभाषा होनी चाहिए। तो परिभाषा तो देवी भागवत पुराण में, मत्स्य पुराण में, अन्य पुराणों के अंदर शास्त्र शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया उन्होंने। ये शास्त्र जो है ये विधि और नियम का धर्माष्टोपदश्यन्ते, विधि नियम एवं, जिसमें कुछ विधि का और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और फिर उन उसके आचरण धर्मों का जहाँ प्रतिपादन किया जाता है। पुंसाम येनोपदिश्येत तच्छास्त्र मविधीयते प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, इसमें प्रवृत्त होना है किससे, निवृत्त होना है। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा कृतकेन नियमेन वा, ये कृतक समय के लिए है या निश्चित रूप से किन सनातन रूप से कुछ नियमों के ऊपर चलना है, कुछ के ऊपर कुछ देर के लिए चलना है। तो तद धर्माष्टोपदिश्यते कहीं पाठ आ जाता है और उनके धर्म जहाँ बताए जाते हैं विधि का नियम का, और दूसरा कहीं पर ये कि कृतकेन नियमेन वा पुंसाम यत्रोपदिश्यते, ये उपदेश करना जो है वो शास्त्र का मूल स्रोत है, जिसे हम उपदेश कहते हैं ना। ये उपदेश शास्त्र करता है, विधि का भी उपदेश करता है, ये कर्तव्य है और ये निषेध भी करता है। मा हिंसा सर्वाभूतानि, ये भूतों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये निषेध भी करता है। और उसमें श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, भिया देयम, देयम देयम के विधान भी करता है। तो विधान भी करता है और निषेध करता है। अब ये प्रश्न उठता है कि जिन चीजों का आप विधान कर रहे हैं वो आप ही क्यों कर रहे हैं, शास्त्री क्यों कर रहा है, वो मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को भी तो पता है। निषिद्ध कर्मों का मनुष्य को पता है, जिससे नहीं है उसमें हित नहीं हो रहा है, तो वो स्वयं भी लोग जानते हैं इसका शास्त्र के साथ इसका क्या संबंध है। तो इस प्रश्न को लेकर के कुछ ये व्याकरण के संदर्भ में राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की थी, लेकिन वहां पर एक उसमें प्रश्न आया कि ये जो शास्त्र है ये शास्त्र किसके लिए है। ये शास्त्र जो है जो विधि नियम की प्रक्रिया के अंदर, एक नियम के अंदर प्रवाहित होना है, क्योंकि मनुष्य की जो ऊर्जा है, ये मनुष्य की ऊर्जा जो है ये बहुत 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 प्रकार की है। इस ऊर्जा को इस ढंग से समाहित करना, इस ऊर्जा को इस ढंग से समाहित करना कि जिससे ये ऊर्जा ना तो नष्ट होने पाए और ना ही ये व्यर्थ में चली जाए, ये प्रवाह को भी दूषित ना कर दे, तो शास्त्र का एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। और वो दायित्व का नाम ही धर्म है। वो धर्म क्या करता है उसमें,
लोगों की जो मौलिक ऊर्जा है वो मौलिक ऊर्जा को नष्ट भी नहीं होने देना है, लेकिन उस दिशा को एक चैनल देना है, एक ऐसी दिशा देनी है कि जिस दिशा से वो अभ्युदय की ओर अग्रसर होते हुए उसमें निशेष की तरफ ले जाए। क्योंकि ये मनुष्यता का जो कल्याण है, इन दोनों बातों में ही मनुष्यता का कल्याण है। इसी का ही अभ्युदय की कोटि में बाद में हम देखें तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों अभ्युदय की कोटि में ही पुरुषार्थ आ जाते हैं, और निशेष की कोटि में मोक्ष पुरुषार्थ आ जाता है। तो ये प्रकार समय के अनुसार ये चिंतन जो है, विचार जो है, वो बदलता रहा है। शास्त्रों में परिवर्तन भी हुए हैं, शास्त्रों का परिशोधन भी हुआ है, उसके अंदर भाषियों के अंदर उनका व्याख्यान किया गया, वार्तिकों का व्याख्यान किया गया, और सभी का लोगों ने, विद्वान लोगों ने उनको परिभाषित किया है कि ये सब शास्त्र होने के अधिकारी किस तरह से बनते हैं। ये शास्त्र होने के अधिकारी इस दृष्टि से बनते हैं कि जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, मनुष्य जीवन के अंदर 21वीं शताब्दी हो या 20वीं शताब्दी हो या 1000 वर्ष पीछे हो, ये जीवन की जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस जीवन की धारा को एक दिशा की हमेशा अपेक्षा रही है। क्योंकि उसके अंदर बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि जो जिसे हम कहते हैं कि अपवाद उत्पन्न होते हैं, ये जो अपवाद उत्पन्न होते हैं उन अपवादों का समीकरण कैसे किया जाए, उन अपवादों को केवल लिखित रूप में ही किया जाए या उनका कोई व्यावहारिक पक्ष जो है शास्त्र का वो भी साथ में जोड़ा जाए। तो शास्त्र के प्रयोग में धर्मशास्त्रकारों ने हमें संकेत दिया कि नहीं, जब कभी कोई निर्णय करना हो तो केवलम शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णय, केवल शास्त्र का आश्रय लेकर के ही निर्णय नहीं करना चाहिए। युक्तिहीन विचारे तु धर्म हानि प्रजायते, युक्तिहीन विचार करने पर धर्म की हानि होती है। इस संस्कृत के जो पंडित लोग हैं, इन्होंने पंचतंत्र में वो कथा पढ़ी होगी कि शास्त्र का ये धर्म हानि कैसे होती है, कि वो चार मूर्ख पंडित जो हैं, शास्त्र तो पढ़ लिया उन्होंने और हर जगह वो शास्त्र को निकाल करके देखते हैं कि ये क्या है, इष्टम धर्मेण योजेत, वो शमशान में कि राजद्वारे शमशान है यस तिष्ठति स बांधवः, अब इसका वो उन्होंने देखा कि शमशान शब्द आया है तो शास्त्र को लेकर के उन्होंने व्याख्यान की कि वहां पर शमशान में गधा जो है वो अपना बंधु है, क्योंकि वो शमशान में खड़ा है इसलिए बंधु है। तो ऐसे शास्त्र का जो अपव्याख्यान होता है उससे कहता है कि विद्या जो है वो विभेदी, वो डरती है कि मूर्ख के हाथ में ना आ जाऊं। शास्त्र अगर मूर्ख के हाथ में आ गया तो शास्त्र सर्वनाश कर देगा, और शास्त्र जो है वो उस शास्त्र, इसलिए उसने कहा कि शास्त्र जो है अष्टाध्यायी के संदर्भ में महाभाष्यकार ने यह प्रश्न उठाया कि शास्त्र किसके लिए है। उसने कहा शास्त्र जो है वो लोक की ही चिंता करता है, लेकिन किस प्रकार से चिंता करता है, तो कहता है शिष्ट लोगों के माध्यम से चिंता करता है। ये शिष्ट लोग कौन है, ये शिष्ट लोग वही शास्त्र का ठीक से व्याख्यान करेंगे। तो ये शिष्ट लोग कौन है, उसमें शिष्टों को उन्होंने परिभाषित किया कि जो करप्टिबल नहीं है, जो जिनका मन जो है वो इतना उसे ऑब्जेक्टिव कहें आज की भाषा में, जो उसे तटस्थ कहें, एक ऐसा तटस्थ धर्म को समझने का है जिसके अंदर वो अलोलुपा, वो लोभी, लोभ स्पर्श भी नहीं कर गया है, और केवल कुंभी धान्या कि 6 दिन का सिर्फ अनाज घर में रखते हैं, 6 दिन से ज्यादा का नहीं रखते, ऐसे लोग। और वो ऐसे जो वो ज्ञानी लोग हैं, ऐसे जो ब्राह्मण लोग हैं, वो देव शिष्टा, वो ही इस अष्टाध्यायी के पढ़ने और पढ़ाने में, क्योंकि शास्त्र जो है वो अपने आप को उद्घाटित किसके आगे करेगा, शास्त्र अपने आप को अपने वास्तविक जो लोक चिंतन है उसको वो प्रकट जो है शिष्ट लोगों के आगे ही करता है।
इसलिए शिष्ट लोगों के और शास्त्र का एक घनिष्ठ संबंध पहले हमें समझ लेना चाहिए कि शिष्ट लोग जो थे, पहले हमने कहा कि साक्षात्कृत धर्माणु ऋषि बहु, ऋषि जो थे साक्षात्कृत धर्म, उन्होंने साक्षात्कार हुआ, किसका हुआ, शब्द का साक्षात्कार हुआ। और शास्त्र क्या है, शब्द का ही स्वरूप शास्त्र है। और लोग किस चीज का स्वरूप है, वो प्रकाश का स्वरूप है। लोक कहते हैं जो देखा जाता है, प्रकाश आलोक शब्द जिसे बनता है, आप देखें तो लोक माने प्रकाश है। और शब्द और प्रकाश का जो संबंध है, जो शास्त्र है वो शब्द तत्व है, और लोक जो है वो आलोक प्रकाश तत्व है। इसलिए लोक शब्द में हम दोनों अर्थ प्रयोग करते हैं। लोक शब्द से हम चराचर जंतु जो हैं उनको, उसके अंदर भी हम मनुष्य लोग, गंधर्व लोग, अमुक लोग, अमुक लोग, उन लोगों की चर्चा करते हुए आप देखेंगे उपनिषदों के अंदर जब चिंतन आता है तो उसके अंदर वो गार्गी जो है वो याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती है कि ये सर्व सब कुछ जो है वो सब का सब ये जो है जल तत्व के अंदर समाहित है, लेकिन जल तत्व किस में समाहित है। तो उसने कहा कि ये वायु में, वायु किस लोक में समाहित है। अब उसमें अब लोक शब्द का वहां पर प्रयोग जो है, ये लोक क्या है, ये तात्विक लोक है, ये मनुष्य लोक नहीं है। तात्विक लोक शब्द का अर्थ एक तात्विक है, उसके अंदर क्या है कि वो गंधर्व लोक में स्थापित है। तो कहा गंधर्व लोक किसमें स्थापित है, कहा जी इंद्र लोक में स्थापित है। तो इंद्र लोक किसमें स्थापित है, वो उसमें प्रजापति लोक में स्थापित है। फिर कहा प्रजापति लोक किसमें स्थापित है, गार्गी ने पूछा। याज्ञवल्क्य ने कहा प्रजापति लोक ब्रह्म लोक में स्थापित है। तो कहा फिर ये ब्रह्म लोक किसमें स्थापित है, तो उन्होंने गार्गी को डांट दिया और कहा गार्गी अति प्रश्न महाप्राक्षी, अति प्रश्न ना करो, ब्रह्म के विषय में जिस तरह से तुम प्रश्न कर रही हो, प्रश्नों की एक सीमा होती है, प्रश्नों की तमीज होती है, एक सब उस प्रश्नों का ये जो प्रश्नों के ये जो सूची उपस्थित की थी आशुतोष ने, वो प्रश्नों का यही था कि प्रश्नों का भी एक शास्त्र है। कैसे पूछना है, दक्षिण भाग में बैठ के पूछना चाहिए या वाम भाग में बैठ के पूछना चाहिए, दक्षिण भाग में बैठ के ही प्रश्न करना चाहिए, और प्रश्न करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे प्रश्न करने चाहिए, किस तरह से नहीं करने चाहिए। तो शास्त्र जो है वो एक बड़ी ही तत्व ज्ञानों की उस दृष्टि का उन्मेष है, उस उन्मेष को तत्व ज्ञानियों की उसी उसको समझने के लिए, उसके मूल अर्थ को पकड़ने के लिए बहुत ही लोक को सचेत होना पड़ता है, क्योंकि लोक का ही हित तो उसके अंदर निहित है। शास्त्र के अंदर शास्त्र लोक से अलग नहीं है। मेरी आंखें और मेरे कान, कान मेरे शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं, श्रोत्र शब्द जो है वो शब्द मूलक है शास्त्र, और वो आलोक जो है वो मेरे चाक्षुष प्रकाश है। लोक जो मेरे को दिखाई देता है बाहर, सब कुछ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सब का सब लोक है। वो भौतिक उसका स्वरूप भी है और तर भी स्वरूप है, उसका अतर भी स्वरूप है। इसलिए तर स्वरूप में मनुष्य जाति को हम ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, केवल मनुष्य को ही हम ग्रहण करते हैं उसके अंदर। इसलिए कहते हैं कि ये जो लोक शब्द है ये बहुत व्यापक शब्द है, व्यापक शब्द है भुवनों की दृष्टि से, भुवनों को भी लोक कहा जाता है। और आपका जो शास्त्र है वो ये नहीं चाहता कि आप केवल मात्र संकुचित होकर के रह जाएं, इसलिए शास्त्र आपका मार्गदर्शन करता है कि आप नित्य जीवन के अंदर अपनी चेतना का उसका विस्तार करने के लिए, अपनी चेतना को विस्फारित करने के लिए आप नित्य इस बात का ध्यान करें, और केवल मात्र भूलोक से ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं उनके अंदर। इसलिए तर्पण के अंदर शास्त्र विधान करता है कि ये देखो आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु पितर सर्वे मातृ माता महादेव अतीत कुल कोटि नाम सप्तद्वीप निवासी नाम,
आब्रह्म भुवनालोकादि नष्टमलोदकम्। ये जल मैं किनको दे रहा हूँ, ये बांधवा अबांधवा वा जो मेरे इस जन्म में बंधु रहे, जो इस जन्म में नहीं कहीं पिछले जन्मों में भी मेरे बंधु रहे हैं। अब ये शास्त्र देखिए क्या कर रहा है। आप कहेंगे कि शास्त्र की अपेक्षा है अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम, जो अज्ञात है, जो ज्ञात है उसको बताना शास्त्र का काम नहीं है। इसलिए लोकोत्तर उपायों को लोकोत्तरता का विधान करता है, तो वो कह रहा है कि नहीं, ये नरकेशु समस्तेषु यातनासु चिकित्सिता, जो लोग नरकों में रेंग रहे हैं, देखिए जाकर के 21वीं शताब्दी में लोग नरक में रेंग रहे हैं कि नहीं रेंग रहे हैं। गांव में बाहर के जीवन के अंदर जहां जहां सारी दुनिया में फैला हुआ है इस समय, तो उसमें नरकेशु समस्तेषु यातना सूच, पीड़ाओं में जो लोग स्थित हैं, तेषाम आप्यायनायिता दीयते सलिलम मया, उन सभी की तृप्ति के लिए मैं, तो एक अवेयरनेस तो पहले मेरे अंदर आए, मैं पानी दे करके वो पानी से उनका इलाज तो नहीं हो जाएगा, मुझे पता है इस बात का, लेकिन उस जलदान से मेरी चेतना का विस्तार होगा। तो एक भारत के अंदर जन्म लेने वाले विस्तार का शास्त्र उसको चेतना को विस्तृत करने का, वो मनुष्य को जहां मनुष्य जैसे पशु की तरह उत्पन्न हुआ है वैसा नहीं रहने देना चाहता। शास्त्र का मार्गदर्शन ये है कि वो शासन किस चीज का शासन कर रहा है, वो आपकी वाक का भी शासन कर रहा है, अष्टाध्यायी शास्त्र है, लेकिन शास्त्र तो नाट्यशास्त्र भी शास्त्र है, नाट्यशास्त्र इंद्रियों का शास्त्र है। नाट्यशास्त्र के निर्माण में भी उन्होंने कहा कि ये शास्त्र क्यों है, नाट्यशास्त्र कहा कि नाट्यशास्त्र का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा ने कहा कि तुम लोग ऐसे इसका निर्माण करो, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र का जब निर्माण किया तो कहा जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, तो उन्होंने ऋग्वेद से जो टेक्सुअल था वो उसमें मूल ग्रंथ जो था वो उसका पाठ ऋग्वेद में चली गया। सामभ्यो गीति में सामवेद में उन्होंने कहा कि नाटक के अंदर म्यूजिक भी होना चाहिए, म्यूजिक को भी एक जगह कंबाइन करो। रस का कल्पना जो थी, रस सिद्धांत जो था वो अथर्ववेद से लिया, चारों से लेकर के उन्होंने एक नाट्य शास्त्र की रचना की। और वो नाट्य शास्त्र जो है वो हमारी सारी एस्थेटिक्स, हमारा जो सौंदर्य शास्त्र है, उन कलाओं को वो नाट्यशास्त्र उनका शासन करता है। और वो बताता है कि तुम जो भी कलाकार अपने जीवन, अपनी कला की शिक्षा या अपनी कला से जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उसका आत्मविस्तार कैसे होगा। आत्मविस्तार की दृष्टि से उसने कहा कि ये जानते हो ये नाट्य वेद है, ये नाट्यशास्त्र भी कहते हैं, इसको नाट्य वेद भी कहते हैं। पंचमम सार्ववर्णिकम, ये सभी वर्ण, इसलिए से पांचवा वेद इसलिए कह दिया नाट्य को, नाट्य वेद को इसलिए कह दिया क्योंकि ये सार्ववर्णिक है। सभी सार्ववर्णिक माने सभी वर्ण इसके अंदर, बिना वर्ण भेद के ये समस्त जन समुदाय इसके अंदर शामिल हो सकता है। इसलिए नाट्य जो है इसको भी शास्त्र का एक स्वरूप हमने स्वीकार, कलाओं को भी शास्त्र में हमने स्वीकृत किया। और इस नाट्य शास्त्र के अंदर ही उन्होंने कहा त्रैगुण्योद्भव मात्र लोक चरितम नाना रसम दृश्यते। इस नाट्य वेद के अंदर क्या है भाई, त्रैगुण्योद्भव मात्र, ये त्रिगुण प्रकृति समस्त ब्रह्मांडीय जो कुछ भी है वो त्रैगुण्योद्भव, त्रिगुण से उत्पन्न होने वाला जो जो कुछ भी है, लोक चरितम, और इसका जो कंटेंट है नाटक का, नाट्य वेद का कंटेंट क्या है, लोक चरित है। और ये कैसा है, ये चाक्षुषम शांतम कृत चाक्षुषम, ये चाक्षुष यज्ञ है, और ये ऐसा यज्ञ है कि जहां पर सभी लोग एक थोड़ी देर के लिए इकट्ठे होते हैं लेकिन सबका चित्त एक जैसा होता है। नाट्यम भिन्न रुके जनस्य बहुधा एकम समाराधनम, ये एक ही तत्व का समाराधन, एक बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े जो लोगों के बोध खंड हैं
वो सारे के सारे यहाँ आकर के एक रस हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र जो है वो मूलतः है, यद्यपि उसका वर्गीकरण किया गया है देवी भागवत पुराण आदि में, मत्स्य पुराण वगैरह में उनको परिभाषित किया गया कि तीन तरह के शास्त्र हैं, सात्विक हैं, राजस हैं, तामस हैं। वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि सात्विकम तत्र वेदांतम, वेदांत शास्त्र जो है वो सात्विक है। मीमांसा राजसम स्मितम, मीमांसा शास्त्र जो है वो राजस शास्त्र है। और जो न्याय शास्त्र है ये तामस शास्त्र है। तुम हेतुवादाभियंत्रितम, क्योंकि ये कार्य कारण के चक्र में डाल देता है, कार्य कारण में ही आदमी चलता है, लेकिन लोक व्यवहार कार्य कारण से ही चलता है। इसलिए वहां पर हम शिक्षा सारी अपनी जो है वो न्याय से शुरू करते हैं, कार्य कारण भाव से करते हैं। लेकिन ये कहने के पीछे उसका न्याय की अस्वीकृति नहीं है, सिर्फ ये है कि केवल मात्र न्याय को पढ़ करके केवल न्यायिक बन जाने से एक ऐसी शास्त्र वासना जिसके प्रति लोग सचेत करते थे कि कई बार हम शास्त्र जो है, बहुत से लोग शास्त्र को इस दृष्टि से पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो शास्त्र को दूसरों को परास्त करने के लिए, वो सारा जानने के बाद भी दूसरों को परास्त करने के लिए आस्वादन उसमें लेने लगते हैं। वहां पर वो शास्त्र का जो मौलिक अक्ष है उसको उससे वो परे हट जाते हैं। शास्त्र जो है वो अपनी चेतना का विस्तार करता है, वो आपको कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में तो प्रकृति तो है, आपकी जो मौलिक इंस्टिंक्शन हैं, सहजात वृत्तियां हैं, आपकी ये जो वासनाएं हैं, वो सभी ने आपको संकुचित तो कर ही रखा है। उनके संकोचन को खोलना, उन ग्रंथियों को कैसे धीरे धीरे करके खोलते हैं, जिन ग्रंथियों का नाम उन्होंने रखा कि ये लोकेशणा है, वित्तेषणा है, पुत्रेषणा है, ये जो नाना प्रकार की ग्रंथियां हैं, ये नाना प्रकार के योगियों ने कहा कि ये चक्र हैं, ये चक्र साधना जो है, चक्र साधना में एक एक चक्र क्या है, ये मनुष्य के चैतन्य की ग्रंथियां हैं, और प्रत्येक ग्रंथि का उन्मेष जैसे जैसे खुलता जाता है वैसे वैसे योगी जो है वो एक ऊर्ध्व अनुभव के अंदर ऐसे अनुभव की तरफ चला जाता है कि अंततोगत्वा उसकी वो शिवमयता को ही प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र का जो विशेष रूप से संस्कृत में जो शास्त्र परंपरा रही, जैन परंपरा में भी शास्त्र है, बौद्ध परंपरा में भी शास्त्र है, और भारतीय परंपरा तो ये जो जिसे हम वैदिक परंपरा कहते हैं, आधुनिक परंपरा कहते हैं, ये शास्त्र को सभी लोग बहुत महत्व इसीलिए देते हैं कि ये जो शास्त्र है ये केवल हमारा शब्द शासन मात्र ही नहीं करता है, शब्द के माध्यम से इसका जो क्षेत्र है वो है लोक, और लोक में भी मनुष्य, कि वहां भी ये ध्यान रखना है कि केवल शास्त्र माश्रित्य न कर्तव्य निर्णय युक्ति ही ने विचारे तू कि नहीं, तीन तथ्यों का एक साथ रखना है, शास्त्र, युक्ति और अनुभव। वेदांत ने कहा कि ये तीनों का जब समन्वय होगा तो वेदांत शास्त्रों का पठन पाठन जो है वो संपूर्ण होगा। जो श्रवण किया आपने, शास्त्र जो है वो शुद्ध उपनिषद जो है वही श्रुति है, तो उसमें ये श्रवण से, युक्ति से और अनुभव से, इस प्रकार से उन्होंने कहा। दूसरे लोगों ने कहा कि अनुमान का ही, अनुमान का भी एक शास्त्र बन गया, अनुमान एक वचनम बौद्ध शास्त्रम, जो बौद्ध शास्त्र है वो केवल अनुमान को ही एकमात्र प्रमाण मान करके, लेकिन शास्त्र की रचना वहां भी हुई, वहां पर भी साधना के लिए शास्त्र की अपेक्षा रही। इसलिए शास्त्र को अगर देखा जाए तो वो कहता है कि शास्त्र जो है वो शिष्ट लोगों के माध्यम से जन समुदाय का संचालन करता है। सभी लोग शास्त्र के नहीं होते हैं, सभी लोग जो है शास्त्र की उस परा दृष्टि को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है वो वाक का, उस वाक देवी का, उस वाक देवी के पूर्ण है, और वो स्फूर्ण में इसलिए उन्होंने कहा कि ये वो वैयाकरण लोग जब पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं देखो ये जो है
मिथ्या प्रयोग तो नतमर्थमार, शास्त्र का मिथ्या प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो उसका कहीं से भी आपने गलत की स्वार्थ के लिए प्रयोग कर दिया है। ये इस प्रकार से शास्त्र विक्रय की वस्तु नहीं है। कलयुग के वर्णन के अंदर ये विडम्बना पुराणों के अंदर कही है कि लोग शास्त्र जो है उसको बेचेंगे, कहो वेदांति ना सर्वे, और सभी लोग वेदांत की चर्चा करेंगे और उसे वेद विक्री हो जाएंगे, लोग इस तरह से करेंगे वैसे करेंगे। कलयुग के अंदर इस प्रकार की वो इंस्ट्रक्शन जो है वो भी शास्त्र देता है। तो इसलिए शास्त्र का जो दृष्टिकोण है मौलिक वो लोक को लेकर के है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिए कि दोनों परस्पर एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। शास्त्र लोक को नियंत्रित करता है तो लोग भी शास्त्र को नियंत्रित करता है। लोग शास्त्र को कैसे नियंत्रित करता है इसका नैषित में हर्ष एक जगह कहते हैं कि देखो भंगतुम प्रभु व्याकरणस्य दर्पम पद प्रयोगा ध्वनिदेश लोकः। ये व्याकरण जो बहुत ग्रामेरियन लोग व्याकरण शास्त्र के हैं उनका वो हर चीज का उनका एम्फेसिस होता है कि प्रत्येक शब्द की हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं और व्युत्पत्ति से ही अर्थ को समझा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, सभी जगह ऐसे नहीं होता है। पद प्रयोग से ये जो लोक है वो कई दफा शास्त्र से शास्त्र में अपना एडिशन करवा लेता है। इसलिए ये दो हमने रेखाएं मानी मान के चले कि एक जो है बहुत सारे शास्त्राचार, शास्त्राचार और लोकाचार। शास्त्राचार में मनुष्य प्रधान रहे, लोकाचार में स्त्रियां प्रधान नहीं। तो शास्त्राचार और लोकाचार, तो वो लोकाचार शास्त्राचार को प्रभावित करता है। उसमें कहता है कि लोक ने कैसे प्रभावित किया, कहता है शशोयमस्यापि शशीति उक्तम। व्याकरण के अनुसार शश जिसमें रहता है इसलिए शशि चंद्रमा, ये ठीक है अर्थ आपने बना दिया ठीक है। लेकिन मृगलांछन भी चंद्रमा को कहते हैं, मृगोयमस्यास्ति मृगी तिनोक्तम। मृग मृगी शब्द से तो आपने चंद्रमा नहीं बनाया, क्यों नहीं बना सके? लोग उसमें आपको लोग ने स्वीकार ही नहीं किया इस चीज को। तो कई बार ऐसी बातें जो होती हैं वो उनमें लोक और शास्त्र के संबंधों की जो एक संवेदनशीलता है उस संवेदनशीलता को समझने के लिए बार बार ये प्रार्थना करते हैं लोग, उसके अंदर शास्त्र के लोग। ये मिथ्या प्रयुक्तो नतम अर्थमाह सवाग वज्रो जरिमानम हिनस्ति यथेन्द्र शक्तो स्वरतो पर आधार। कई बार शास्त्र का अनुसरण ना करने से, शास्त्र को ठीक से फॉलो ना करने से, शास्त्र को विकृत कर के प्रयोग करने में भावना रहेगी। इसलिए शास्त्र का जो आदेश है उपदेश है वो अज्ञात को ज्ञापन करने वाला है। अदृश्य पदार्थों में शास्त्र की प्रवृत्ति है। स्वर्ग कामों यजेत, स्वर्ग आपने तो देखा नहीं है लेकिन उसके अंदर जो बात पीछे मैंने कही थी कि वो श्री अरविंद भी जिसको कह रहे हैं कि नहीं फेथ का मतलब क्या है, अदृश्य के प्रति श्रद्धा है, विश्वास होता है दृष्टि के प्रति कि मुझे अपने नौकर पर बड़ा विश्वास है। विश्वास जो है वो दृष्टि प्रति है लेकिन अदृष्ट के प्रति श्रद्धा मेरी है। भगवान के प्रति जिसको मैंने नहीं देखा है उसके प्रति भी मेरी श्रद्धा हो सकती है। विद्वानों के प्रति, ऋषियों के प्रति मेरी श्रद्धा है, मैंने उनको नहीं देखा है, तो वो श्रद्धा जो है कुछ ज्यादा बड़ा व्यापक भाव है। इसलिए शास्त्र को भी जब व्याख्यान करते समय शास्त्रार्थ को, तो उसमें जहाँ पर इस बात को रूढ़ी का और प्रयोजन का ये दोनों को ध्यान में रखते हुए, रूढ़ी और प्रयोजन ये दोनों साथ साथ समानांतर चलते हैं। रूढ़ी जो है वो थोड़ी स्थिरता देती है और प्रयोजन जो है वो अग्रसरता देता है। तो इसलिए उस अग्रसरता को हमें कायम करने के लिए शास्त्र से सहायता हमें लेनी चाहिए। और शास्त्र जो है उसका संपूर्ण जो अभिव्यंजना है, शास्त्र की जो पूर्ण अभिव्यक्ति है
वो लोक हितार्थाय ही है, बिना लोक के शास्त्र का कोई दूसरा प्रयोजन। इसलिए वो बार बार ये कहते हैं कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, भाई अपनी प्रज्ञा अपनी कुछ थोड़ी सी वो रखो, शास्त्र में तस्य करो जी कि शास्त्र वहाँ क्या करेगा। ऐसे लोगों के पास शास्त्र जाएगा तो वो उसमें अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए पतंजलि जो है वो वहाँ कहते हैं कि नहीं, ये जो अष्टाध्यायी है तो अष्टाध्यायी से क्या होगा, ये सब लोग कैसे पढ़ेंगे इसको। तो उसने कहा नहीं, अष्टाध्यायी जो है वो शिष्यों के लिए अष्टाध्यायी है। तो कहा कि अष्टाध्यायी पहले हुई या उसमें जो शिष्ट लोग हैं वो पहले हुए, तो उसमें उन्होंने परिभाषित किया कि वो लोग जो आर्ष मेधा के लोग थे जिन्होंने शब्द का उन्मेष किया, उन शिष्ट लोगों के द्वारा दूसरे अर्वाकालिक लोगों ने उसको प्राप्त किया शास्त्र को, और उनके साथ बैठ करके समझ करके शास्त्र को ठीक से समझा और फिर उसका लोकोपदेश किया, लोग के हित के लिए किया। और उसके लिए ऐसे ऐसे तत्वों के लिए हमें नहीं पता, लोग कहते हैं कि ये आत्मा है। अब वो आत्मा है उसके लिए शास्त्र ने तो आपको ये संकेत दे दिया, आप भी समझते हो, लेकिन आप आत्मा शब्द से क्या समझते हो इस पर शास्त्र आपको धीरे धीरे श्रुति की शरण में जाना पड़ता है। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, श्रवण से पहले गुरुमुख से श्रवण करो, गुरुमुख से श्रवण करने के बाद फिर उस पर स्वयं मनन करो। ये जो आगम कालीन जिसको कहा था शुरू में, जिसमें आगम कालीन प्रवचन कालीन व्यवहार कालीन, ये पतंजलि का ही महाभाष्य का ही एक उसमें है। तो उसके अंदर ये बात जो कही गई है कि ये जो शास्त्र है वो केवल मात्र उसका प्रयोजन एक ही है कि वो लोकोपकारक शास्त्र है। इसलिए चाहे वो पंचतंत्र है तो पंचतंत्र भी में उसने कहा तंत्र ही पंचवीर्यकम चकार सुमनोहरम शास्त्र, पंचतंत्र को भी उसने शास्त्र बना लिया है। नाट्य शास्त्र में भी नाट्य कलाओं का भी कोई ना कोई शास्त्र तो होना चाहिए। जिनका नहीं कोई शास्त्र नहीं है, उनका संप्रदाय भी नहीं है, और जिनका संप्रदाय नहीं है उनको आचार्य शंकर कहते हैं कि असंप्रदाय। लेकिन यहाँ पर संप्रदाय शब्द का अनुवाद है वो कम्युनलिज्म से नहीं करना चाहिए। संप्रदाय का अर्थ, संप्रदाय का अर्थ है कि जिसने विद्या को गुरुमुख से ठीक ढंग से प्राप्त किया है, सम्यक रूपेण प्रदत्त यहाँ की गई है विद्या, वही संप्रदाय बनता है। इसलिए ये जो संप्रदाय है ये बहुत अपेक्षित है, ये गुरु शिष्य के संबंधों के ऊपर, शास्त्र के संबंध के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि असंप्रदाय मित सर्वशास्त्र विदपि, चाहे उसने अपने शास्त्रों को वैसे पढ़ा हो लेकिन असंप्रदाय मित, लेकिन अगर वो गुरु के द्वारा उसका उद्घाटन नहीं हुआ है उसके तत्वार्थ का, तो वो अज्ञात का ज्ञापन नहीं करेगा, वो लौकिक बातें का ही वो शास्त्र को उसी के लिए चलाएगा। जी हाँ, धर्म के माने हैं जी, धर्म के माने यही है कि जो हम करते हैं ये, वो कहते हैं धर्म से अपूर्व की उत्पत्ति होती है। अपूर्व किसी ने देखा नहीं, उसने कहा जब आप कोई काम करते हो तो एक तो ऐसा काम है कि जो जिसका फल आपको तुरंत मिल गया, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी शेष रह गया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। शास्त्र उसका संकेत करता है, शास्त्र उसका उद्घाटन करता है। इसलिए शास्त्र जो है वो उभयमुखी है, दृष्ट और अदृष्ट, लेकिन प्रधानतः अदृष्ट के प्रति, अदृष्ट पदार्थों का वो उन हमारे सामने लाता है और हमारे हित चिंतन करता है, जो हितकारक होना जो है जो उसका सामान्य लक्षण है। लेकिन एक विशेष प्रयोजन से जब वो एक पूरा वैज्ञानिक विधि से हमारे साथ तत्व को शेयर करता है, वो उसको तत्व को हमारे साथ वो बांटता है, तब शास्त्र का विशेष प्रयोजन रहता है। और उसी विशेष प्रयोजन के आधार पर सभी कलाओं का कोई ना कोई शास्त्र अवश्य रहेगा। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, पतंजलि योग शास्त्र हो, पाणिनि का व्याकरण शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, सभी विद्याओं के साथ शास्त्र शब्द का
प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि वो एक संप्रदाय परंपरा, शास्त्र जो है वो एक संप्रदाय परंपरा से जीवित रहा है, इसलिए शास्त्र गुरु शिष्य और सत संप्रदाय की रक्षा और शास्त्र की रक्षा, ये बात जो है एक प्रकार से इस देश के अंदर सुविचारित इसलिए रही कि यहाँ का सारा जो लोग था वो शास्त्र को मान्यता देता था, नास्तिक भी शास्त्र को मान्यता देता है। इसलिए उसने परिभाषा उसकी अपनी हो, और हमने ऐसा नहीं कहा कि चार्वाक को हमने कहा कि वो चार्वाक का शास्त्र नहीं है, चार्वाक का शास्त्र है। उसको भी उसने वो क्या है तत्वोपपलव नामक उसने भी ग्रंथ अपना बनाया, उसने उसका शास्त्र का प्रतिपादन करने के लिए, वो ठीक है, लेकिन सभी शास्त्रों का उसमें हमने उस प्रकार से ये एक दिया कि एक प्रक्रिया है विशेष जिसके अंदर मानव मात्र की ऊर्जा जो है वो व्यर्थ में ना चली जाए, जरा सी भी व्यर्थ ना चली जाए, वो संपूर्ण ऊर्जा जो है वो एक सृष्टि के अंदर एक क्रियात्मक एक रचनात्मक रचना धर्मिता के अंदर प्रवृत्त होती हुई वो विकास को प्राप्त हो। तो मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से हमें लोक को भी देखना चाहिए कि लोक के माने शास्त्र केवल मात्र इस लोक का ही वर्णन नहीं करता है कि लोक के माने मनुष्यों का करता है, उसके अंदर सप्त लोकों का भी वर्णन है और सभी ज्ञान का विषय बनते हैं और उससे मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है। तो इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के प्रति मैं जो समझ में आई बात आप लोगों को बता दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और मुझे लगता है कि मैं आज के दोनों मुख्य वक्ताओं ने जिस तरह से इस सारे विषय को प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं दो स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनके साथ उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि शास्त्र की दो पक्ष हमेशा रहे हैं। तो दो पक्ष कौन से हैं, एक निवृत्ति का पक्ष रहा है और एक प्रवृत्ति का पक्ष हमेशा रहा है। तो इस दृष्टि से ये शास्त्र जो है हमेशा लोग को प्रेरित करता रहा है, प्रोत्साहित करता रहा है। और ये सारी स्लाइड में मैं इसमें नहीं जा रहा इसका व्याख्या करने में, लेकिन जो इसमें दो मूल बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी होंगी जब 21वीं शताब्दी में लोक और शास्त्र के संबंधों को हम देख रहे हैं। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति ये दो मुख्य इसके पक्ष हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर आकर के ऊपर की ओर अगर आप देखें थोड़ा सा कि लोक मर्यादा और लोक अग्रसरता ये भी इसी के दो पक्ष हैं शास्त्र के, कि लोक को मर्यादा में रखना और लोक को अग्रसर करना दोनों ही है, ये नहीं कि कहीं जड़ता हो जाए। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप इस एरो में देख पा रहे हैं कि शास्त्र जो है वो लोक चित्त का निर्माण करता है, वो क्योंकि लोक की ही अभिव्यक्ति शास्त्र में होती है तो वो क्या है उसके बदले में शास्त्र मुझे लगता है कि लोक चित्त का निर्माण करता है, जिससे लोक में एक विश्वास पैदा होता है, लोक में साहस पैदा होता है और लोक में एक उद्यमिता की भावना उत्पन्न होती है जिससे कि लोक मंगल और लोक कल्याण उत्पन्न होता है। इसी बात को मैं और जरा आधुनिक रूप में धन्यवाद के रूप में आप सभी के प्रति धन्यवाद के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जब ये पूछते हैं कि भी लोक के लिए शास्त्र करता क्या है, तो वो भी दो पक्ष आप जैसे मैंने वो पहले कहा था उसी प्रकार से अभी दोबारा कह रहा हूं लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से, कि एक और वो आपको बंधन से मुक्ति के लिए प्रेरित करता है, दूसरी तरफ वो आप अगर स्वतंत्र हो गए हैं तो उस स्वतंत्रता का करना क्या है इसमें भी वो आपका दिशा निर्देश करता है, नहीं तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। आज जैसी हमारी स्थिति है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम हमें मिल गई है लेकिन हमें ये नहीं पता उस फ्रीडम का हमने करना क्या है और कैसे उसका उपयोग करना है। और ये मनुष्यता की सबसे बड़ी ट्रेजडी है कि टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल फ्रीडम ने हमें आज उस मोड़ पे लाके खड़ा किया है जहां हमें पता ही नहीं कि हमने अपनी फ्रीडम का करना क्या है। ये तो किसी ने नहीं बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता या एजुकेशन नहीं बताती, व्हाट टू डू विद अवर फ्रीडम। बॉन्डेज से फ्री होना ये तो बात समझ में आती है, ये होना ही चाहिए, लेकिन आफ्टर बीइंग फ्री व्हाट यू हैव टू डू, हाउ टू डील विद योर फ्रीडम,
ये कौन सिखाएगा, ये सेंस कौन देगा, ये अकल कौन देगा, ये शास्त्र मुझे लगता है कि देता है। और उससे क्या होता है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है कि आप जो अभी तक कंपल्सिव चॉइसेस करते आ रहे हैं, इतने बंधनों में पड़े हुए कि हर चीज के लिए आपको कंडीशन कर दिया गया है, वो आपको कॉन्शियस चॉइसेस की ओर लेकर जाता है। वो आपको कॉन्शियस चॉइस करने सिखाता है कि आपने चुनना क्या है, क्या मंगलकारी है और क्या मंगलकारी नहीं है, क्या आवश्यक है, कितना पर्याप्त है और कितना अनावश्यक है। ये सेंस ना आपको सोशल साइंसेस देंगी, ना आपको कोई अन्य एजुकेशन सिस्टम देगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता है, ये केवल मात्र आपको शास्त्र से मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये मैं आप दोनों वक्ताओं के प्रति आभार रूप में ये दो स्लाइड्स प्रस्तुत करना चाहता था। मुझे लगा कि ये इस तरह से मैं समझ रहा था इस सारी बात को, तो मुझे लगता है कि आप दोनों विद्वानों की विद्वत्ता के प्रति ये छोटा सा एक आभार रूप है। तो मैं प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा, यदि उनके कोई प्रश्न है, कोई संशय है, या उनका कोई एक पक्ष है, कोई अन्य पक्ष है, वो अगर साझा करना चाहते हैं तो हमारे दोनों वक्ता उपलब्ध हैं, तो जल्दी से अपना प्रश्न जो है संक्षेप और सटीक रूप में रखें और फिर उसके बाद हम इस मीटिंग को पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे। मेरा एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये मैं अविनाश कुमार श्रीवास्तव, पहली बात तो ये है कि संपूर्ण वक्तव्य का मैं एक सार यही है जो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि स्मृतिर भिन्ना श्रुतिर भिन्ना नेको मुनि कश्यम उचनम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितं गुहायन महाजनो येन गतासु पंथा, ये मैंने अभी स्वीकार किया, मैंने प्राप्त किया इनके समस्त आलेख मैंने कथन का सार मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। मेरे मन में दो बातें आए, यहाँ पर एक बात और आ जाती है, वो बात यह है कि आरंभ में तो विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम, पात्रतम धनात् आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम की परिकल्पना थी और यह हमारा शास्त्र उक्त वचन था। आज के परिस्थिति में बातें कुछ बिगड़ने लगी हैं। इसका एक कारण मेरे दृष्टि से यह है कि हम सूचना तंत्र का प्रसार हो गया है। सूचना ददाति उद्दंडम, उद्दंडम अविवेकता, अविवेकता बुद्धिभ्रंश अबुद्धिनाशा प्रणश्यति। मैं समझता हूँ अगर शास्त्र और वर्तमान के बीच में अगर सेतु का काम करना है तो इस जो मेरे द्वारा दिया हुआ श्लोक है उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने की अपेक्षा है कि किस प्रकार हम अपने सूचना तंत्र को शास्त्रोक्त बनाने की परिकल्पना कर सकें। हमारे आदरणीय रमाकांत आंगिरा ने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मैंने स्पष्टता अपेक्षित है। नमस्कार। बहुत सुंदर। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही 21वीं शताब्दी में अपेक्षित है कि क्योंकि ये एक निर्मर्याद की स्थिति में जो हम चल दौर चल रहा है वो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये जो एक हम लोग एक योग और यज्ञ की संस्कृति से बाहर आकर के उपभोक्तावाद की संस्कृति में चले गए और उसे उद्दंडता तो बनेगी उसमें, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता का, जैसे ये आशुतोष कह रहे थे कि स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं पता किसी को, कि स्वतंत्रता के माने मेरी फ्रीडम, वो फ्रीडम को फिर व्याख्यात करते हैं कि इकोनॉमिकल फ्रीडम। इकोनॉमिकल फ्रीडम से फिर इकोनॉमिकल फ्रीडम के बाद फिर आगे मानवीय संबंधों का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इस विषय में वो कहते हैं कि नहीं पैसे से सब हो जाएगा, पैसे से मुझे मेडिकल एडवाइस मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। इस तरह की अविद्या का प्रसार जो है तो मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी होता है। और बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा उस बात को। और इस विषय को मुझे लगता है कि एक स्वतंत्र रूप में हमें लेना चाहिए और मेरी एक योजना थी शायद अगले हफ्ते में अगर हमें सहयोग मिलता है
तो संस्कृत परंपरा में जो क्रिटिकल थिंकिंग है और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको ध्यान में रख करके एक विषय जरूर अगले हफ्ते में हम लेंगे कि ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें सही गलत का निर्णय करना और कितने प्रकार के उसके भेद हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को हम कैसे विकसित करें जिससे कि हम अपने आप को एक क्वालिफाइड अवेयर सिटीजन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो डॉक्टर अविनाश जी ने बड़ा एक रेलेवेंट प्रश्न उठाया है और जो मुझे लगता है कि एक पूरा उसको व्यापक दृष्टि से देखा जाए और अगले सत्र में यदि आप दोनों सहमत हों तो इस विषय को आगे हम लें कि भारतीय परंपरा में क्रिटिकल थिंकिंग का स्वरूप क्या रहा है और कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लोगों को सिखा सकते हैं कि इतनी सारी सूचनाओं के प्रभाव में हम अपने आलोचनात्मक चिंतन कैसे करें ताकि हमारी बुद्धि स्थिर रहे, विचलित ना हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपका इस विषय में क्या मत है कि क्या अगले हफ्ते ऐसा कोई विषय रख सकते हैं? सर माइक अनम्यूट करना होगा। रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका प्रारूप थोड़ा निश्चित करना पड़ेगा। अविनाश जी, आप तो अगर सहमत है तो इस विषय को हम अगले हफ्ते रखें। परंपरा में आलोचनात्मक चिंतन का प्रारूप सूचना ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कुछ इस तरह से देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे, और बाकी अगर वक्ता लोग भी इस विषय से सहमत हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको हम अगले वीक में उसमें जो चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे वो एक प्रकार का ये आलोचन ही है जी। और ये आलोचन वो उसके संपूर्णता में देखना जो है, आलोचना क्या है, आलोचन है कि पदार्थों को उनकी संपूर्णता में देखना है। इसलिए शास्त्र जो है वो उसका एक संपूर्णता विकास करता है। शास्त्र जो है वो दृष्ट से और अदृष्ट का दोनों का, अब वो नहीं पता कि अधर्म से क्या होगा। मनु ने कह दिया ये बात कि अधर्मे नहीं पूर्वम, अधर्म से तरक्की बड़ी जल्दी होती है। अब इन लोगों को समझाने की जरूरत है कि तरक्की विकास तो जिसको तुम विकास कह रहे हो ये अधर्म से बड़ी जल्दी होता है। अधर्मे नहीं जीते, और ये मनु को कैसे पता था, मनु के पास क्या दृष्टि थी? अधर्मे नहीं जीते पूर्वम तो भद्राणी पश्यति, और उससे वो अच्छे अच्छे काम भी करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे 100-100 मंजिली बिल्डिंगे भी बना लेते हैं लोग। तथा सपत्ना जयति समूलस्तु विनश्यति, लेकिन अधर्म की नींव पर खड़ा हुआ जो समाज है वो जड़ सहित जैसे वृक्ष है ऐसे ही वो समाज सूख जाता है, मनुष्यता संपूर्ण मनुष्यता नष्ट हो जाती है। ये भविष्य, ये जो एक जो ही इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, लेकिन वो उस अध्ययन वाले भविष्य के उस खतरे के प्रति सचेत कर रहे हैं कि समूलस्तु विनश्यति, ये जो अधर्म से जो होने वाली उन्नति है इसके ये इसको एक वैचारिक मूवमेंट के रूप में लिया जा सकता है। ये इसको देखते हैं, गति है लेकिन गति मर्यादित गति जो है। जी इस विषय को लेना तो इसी दृष्टि से पड़ेगा। जी जी इस विषय को इस दृष्टि से लेना पड़ेगा कि इसका प्रशिक्षण पहले तो ये है कि इसका मॉडल हम डिजाइन करें और फिर इसका हम प्रशिक्षण लोगों को कैसे दें। तो ये थोड़ा सा जो चर्चा है, ये अविनाश जी का विशेष धन्यवाद है कि ऐसा विषय सुझाने के लिए। तो इस विषय को हम अगले हफ्ते लेंगे और इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसका प्रशिक्षण अगर दिया जा सकता है, प्रशिक्षण देने की विधि क्या हो, कैसे हम दे सकते हैं, इस विषय को हम लेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के प्रति और आप दोनों वक्ताओं के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय
विद्वत्ता परिश्रम हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए शब्द तो कम ही है, शब्द पूरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने ये ज्ञान आपसे ग्रहण किया है आगे देने के लिए, क्योंकि ये भी आगे ये दायित्व आपसे हम ले रहे हैं आगे देने के लिए, आगे प्रसार करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जिन लोगों के फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग मेरे से बात कर सकते हैं, बाकी शेष लोग जो हैं मीटिंग जो है उसमें छोड़ सकते हैं, विसर्जित हो सकते हैं यहाँ से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यदि किसी की कोई टिप्पणी अलग से है तो वो आप मुझे बता सकते हैं।